बहुत सारे लोग फॉलो अप करके डीडी तो उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो अप करके सेल कंफर्म कर लेते हैं, पर ग्रामर जो बेसिक चीज है उस चीज को शायद मेंटेन नहीं करते हैं, उस चीज को शायद सीखने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि क्या लगता है कि नहीं मुझे तो डीडी उठाना है और डीडी उठाने से मेरा चेक इशू हो जाएगा, मेरा एसपीएल क्वालिफाई हो जाएगा, मेरा पीबीपीएल क्वालिफाई हो जाएगा। तो ग्रामर क्या चीज है, ग्रामर मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं। पर मैं विश्वास रखता हूँ कि बेसिक चीज अगर कोई सीख के प्रैक्टिस करके अगर ऊपर जाएगा ना, तो डेफिनेटली वो उसके सक्सेस के लिए, वो उसके जर्नी के लिए बहुत फायदेमंद होगा, उसका सक्सेस जो है वो स्टे करेगा। क्लियर कर पा रहा हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस ग्रुप में जो जो है पार्थो होमिक सर के टीम में जो जो है वो उस, मुझे नहीं लगता है पार्थो होमिक सर के टीम में जो एक साल काम कर रहा है उसको उन लोगों को फॉलो अप सिखाने का जरूरत है, क्योंकि मैंने पार्थो होमिक सर का फॉलो अप का ट्रेनिंग देखा, फॉलो अप के लिए लेके बहुत काउंसिलिंग किया, फॉलो अप को लेके बहुत बार मैंने दादा से डिस्कशन किया, और एक चीज मैंने देखा कि मतलब पार्थो होमिक सर के टीम में फोर बेसिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर लीडर एक से बढ़कर एक मतलब क्या बोल सकते हैं, फोर बेसिक्स के ऊपर माहिर है। तो मैं जो एक साल से इस बिजनेस को कर रहा है, क्लियर कर पा रहा हूँ, उन लोगों को तो फॉलो अप पता है, डेफिनेटली पता है फॉलो अप कैसे करना है। वो लोग सेल भी कंफर्म करते हैं अपना, सेल कंफर्म करके अपना चेक भी इशू कराते हैं, अपना अचीवमेंट लेवल भी कंफर्म करते हैं। पर मेरा जो मकसद है, दैट इज जो एक महीना, दो महीना, तीन महीने, चार महीना से काम कर रहा है, वो क्या है, फॉलो अप के लिए अपने सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। उन लोगों को क्या लगता है कि फॉलो अप एसटीपी वगैरह जो भी है, बेसिकली जो फॉलो अप, वो सिर्फ सीनियर का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, सिर्फ इनवाइटिंग करके लोगों को पकड़ के लाना और सीनियर के सामने बिठा देना, क्लियर कर पा रहा हूं, और सीनियर के हाथ में कोई जादू की छड़ी है, ऐसा करेगा और डीडी निकल जाएगा, मेरा कोई रोल नहीं है। पर दोस्तों आपको फॉलो अप सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज आप जूनियर हो, कल आपके नीचे भी टीम होगा, तो कल आप उस टीम को सर्विस अगर आपको देना है तो आपको फॉलो अप 100% सीखना पड़ेगा, क्योंकि फॉलो अप बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, क्योंकि फॉलो अप में टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि आप जब किसी को इनवाइटिंग करते हो तब वन वे कम्युनिकेशन होता है, आप सिर्फ बोलते हो, वो सिर्फ सुनता है, ज्यादा कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलता उन लोगों उनको। उसके बाद जब प्लान शो होता है उसके बाद भी उनको बोलने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप पहले उसको फोन स्विच ऑफ करके बिठा देते हो और पहले ये शर्त दे देते हो कि आपको बीच में कोई सवाल नहीं करना है, आपको कोई बात नहीं करना है, जो भी बात करना है एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो एसटीपी में भी वो बात करने का मौका नहीं मिलता, एसटीपी में भी कम्युनिकेशन जो होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो फॉलो अप एक ऐसा चीज है जहां पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहां पे आपको सुनना ज्यादा जरूर, उसके बाद आपको बोलना है, क्योंकि इन्वाइटिंग में आपने सुना, आपने बोला, एसटीपी में आप ही ने बोला, उनको भी तो बोलने का मौका देना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सुनना पड़ेगा, बिकॉज लिसनिंग इज केयरिंग, जो जितना अच्छा सुनेगा वो उतना अच्छा फॉलो अप कर पाएगा, ये फॉलो अप का बेसिक चीज है। आपको पहले सुनना पड़ेगा, सुनने का आदत डाल लो, उसके बाद आप बोलो, डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों का सुनोगे तो लोग आपका सुनेगा, आप अगर लोगों को बोलने नहीं दोगे तो लोग भी आपको बोलने तो देगा पर सुनेगा नहीं आपका बात, अटेंशन नहीं देगा आपको। तो सबसे पहले जो चीज है कि व्हाट इज फॉलो अप, फॉलो अप है क्या चीज, बहुत से लोगों के अंदर ये चीज क्लियर नहीं कि फॉलो अप क्या है। मुझे लगता है कि फॉलो अप एक प्रोसेस है, फॉलो अप एक प्रोसेस, जो प्रोसेस स्टार्ट होता है कब, आफ्टर एसटीपी, आपने जब एसटीपी खत्म किया तभी फॉलो अप का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया। और ये प्रोसेस खत्म कब होगा, जब तक उसका सेल कंफर्म ना हो तब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा, चालू रखेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? तो फॉलो अप शुरू का तो कब होता है, आफ्टर एसटीपी, जब आपने एसटीपी खत्म किया उस तब आपका फॉलो अप चालू हो गया, और खत्म कब होगा, जब उसका सेल कंफर्म होगा। ये टोटल जो प्रोसेस, ये एक महीना भी लग सकता है, दो महीना भी लग सकता है, छह महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, दो साल भी लग सकता है, पांच साल भी लग सकता है, क्लियर कर पा रहा हूं? तो जब तक उसका सेल कंफर्म ना हो तब तक आपको उसके पीछे पड़े रहना है, आपको टच में रखना है। क्योंकि मैंने बहुत सारा फॉलो अप किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मुझे नहीं करना है, मुझे एडमिशन नहीं लेना है, पर आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मुझे कभी नहीं करना है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपको ऐसा किसी ने बताया कि मुझे कभी भी जिंदगी में कभी नहीं करना है? नहीं, आज नहीं करना है, अभी नहीं करना है, इस वक्त नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, शायद मेंटल ब्लॉकेज है, समझ में नहीं आ रहा है, रियलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परिस्थिति उस हिसाब से नहीं है। पर परिस्थिति चेंज होता है, सिचुएशन बदलता है, अगर मैं उसके साथ मैं टच में रहूंगा तो परिस्थिति के हिसाब से वो डेफिनेटली एडमिशन लेगा, हालात
के हिसाब से एडमिशन जरूर लेगा। इसको लेके मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, लास्ट में डिस्कशन करूंगा कि टच में कैसे रखना है, टच में रख के एक डीडी कैसे कंफर्म करना है, इसको लेके मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, पहले बेसिक चीज को लेके आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला, फॉलोअप एक प्रोसेस है, क्लियर कर पा रहा हूँ। तो आप ये मान लीजिए कि एक बार दो बार तीन बार फॉलोअप करने से नहीं होगा, जब तक उसका सेल कंफर्म ना हो तब तक उसका प्रोसेस जारी है, क्योंकि उसका सेल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। उससे पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, कंसेंट्रेशन पे करके सुनिए और नोट डाउन करने का कोशिश कीजिए। तो व्हाई फॉलोअप, फॉलोअप क्यों करना है, एक स्टैटिस्टिक्स में आपको बता रहा हूँ कि 10 लोगों का अगर आप प्लान दिखा तो हम लोगों का एसटीपी इतना ज्यादा, हम लोगों का एसटीपी ही इतना पावरफुल है कि 10 एसटीपी दिखाओगे उसमें से 3 डीडी एसटीपी से निकल कंफर्म हो जाता है। अब देखोगे कि विदाउट एनी फॉलोअप, आज संडे को अपने प्लान दिखाया, मंडे को अपार्टमेंट में लेके आ गया विदाउट एनी फॉलोअप, या फिर मंडे को सिलेक्शन में आ गया विदाउट एनी फॉलोअप, मंडे को ही उसका एडमिशन कंफर्म हो गया विदाउट एनी फॉलोअप। तो ये दोस्तों ये एसटीपी का कमाल है, हम लोगों का स्मार्ट वैल्यू का एसटीपी ही इतना पावरफुल है। जितना भी कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग, डिफरेंट कंपनी का मैंने प्लान शो देखा, पर स्मार्ट वैल्यू जैसा पावरफुल प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन करने वाला जो स्पीकर, ऐसा स्पीकर मैंने नहीं देखा। तो आउट ऑफ 10 डीडीज, आउट ऑफ 10 प्रोस्पेक्ट, 3 डीडीज ऐसे ही कंफर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ प्लान शो। प्लान शो इतना ताकतवर होता है कि 10 में से 3 डीडी विदाउट फॉलोअप कंफर्म हो जाता है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, क्लियर कर पा रहा हूं मैं। तो 10 में से 3 डीडी कंफर्म हो गया, बाकी ऐसा 2 लोग रहेगा जो कि आप कुछ भी कर लो, आप दीवार में सर पटक लो, वो एडमिशन नहीं लेगा, क्लियर कर पा रहा हूं, क्योंकि उसको वो मतलब क्या होता है, बेकार का चीज है। आपको ऐसे बेकार का आइटम आपको मिलेगा, आपको ऐसे जोकर मिलेगा, ऐसे आपको काका बाबू मिल जाएगा जो जिंदगी में एडमिशन नहीं लेगा। और सब लोग एडमिशन, सबको एडमिशन लेने का कोई जरूरत भी नहीं है स्मार्ट वैल्यू में, क्योंकि सब लोग अगर स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन ले लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोगों का जो बैलेंस है ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्या कर पा रहा हूँ। तो सबको एडमिशन लेने का कोई जरूरत भी नहीं है और सब लोग एडमिशन लेगा भी नहीं, और हम लोग चाहते भी नहीं कि सब लोग एडमिशन, क्या कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जिसको प्लान दिखा रहे हो वही बंदा अगर एडमिशन ले लेगा सुबह को और शाम को 2 बंदे को पकड़ के ला के एडमिशन करवा देगा तो 50 दिन में पूरा इंडिया का जो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, क्या कर पा रहा हूँ। तो इसलिए सोच समझ के भगवान सिस्टम बनाया, क्या कर पा रहा हूँ, और सब लोग अगर सक्सेसफुल बन जाएगा तो सक्सेस का मजा नहीं रहेगा। तो 10 में से 2 लोग ऐसा रहेगा जिसके साथ आपको बहस करना ही नहीं है, जो एसटीपी के बाद उल्टा फुल्टा रिएक्शन देगा, क्लियर कर पा रहा हूं, जो एसटीपी के बाद, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डिस्टर्ब करने के लिए भी आते हैं, आप उसको सीधा अवॉइड कर लीजिए। आपको बात करने से क्लोजिंग के टाइम में आपको पता चल जाएगा ये बंदा क्या है, ये कैसे पता चलेगा, इसको लेके मैं भी डिस्कशन करूंगा क्लोजिंग कैसे कर रहा है। तो इसको सीधा आप उसके साथ रिलेशन खराब मत कीजिए, आप उसके साथ खराब रिलेशन मत बनाइए, उसके साथ फॉर्मल रिलेशन बिल्डअप करके उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप उसके साथ बहस कर लोगे, अगर झगड़ा कर लोगे तो क्या होगा कि आपका साथ उसका रिलेशन खराब हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो बाकी लोगों को भी नेगेटिव करेगा। तो एडमिशन ले या ना ले, किसी के साथ मतलब झगड़ा नहीं करना है। पार्ट तो वो सर मुझे हम लोगों को सिखाए थे कि फॉलोअप का एंडिंग हर वक्त स्वीट होना चाहिए, स्वीट एंडिंग करना चाहिए, स्वीट एंडिंग, कोई बिटर एंडिंग नहीं करना है, क्या कर पा रहा हूँ, स्वीट एंडिंग, हर वक्त फॉलो अप का एंडिंग जो होना चाहिए वो मीठा होना चाहिए, क्या कर पा रहा हूँ, राइट। हो सके तो एक डेयरी मिल्क भी खिला देना, राइट, क्योंकि एंडिंग जो है वो मीठा होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए। तो 10 में से 5 हो गया, 3 तो कंफर्म डीडी ऐसे निकल जाते हैं, 2 ऐसे है जो काका बाबू टाइप का है, राय बहादुर टाइप का है, उसके साथ बहस नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी खराब नहीं करना है, बाकी रह गया 5। अभी 5 जो है इसको आपको फॉलोअप करना है, क्या कर पा रहा हूं। 3 कैटेगरी का फॉलोअपर होता है, एक होता है एक्सलेंट फॉलोअपर जो 5 में से 3 डीडी कंफर्म कर लेगा, एक होता है एवरेज फॉलोअपर जो 5 में से 1 या आधा डीडी कंफर्म कर लेगा, 2 डीडी कंफर्म कर लेगा, एक होता है गुड फॉलोअपर जो लगभग 2 डीडी कंफर्म कर लेगा, और एक होता है एवरेज फॉलोअपर जो कम से कम 1 डीडी तो कंफर्म कर ही लेता है। तो ये 3 कैटेगरी का फॉलोअपर होता है। अभी डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि आपका फॉलोअप का कितना दम है। अगर आपके अंदर फॉलोअप का दम है, 5 में से ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को देखा कि ये 5 में से 5 डीडी कंफर्म कर लेता है, क्लियर कर पा रहा हूँ, सिर्फ 5 नहीं, प्रोस्पेक्टिंग किया 5, उसमें से 6 डीडी निकाल लिया, उसका पिताजी के नाम पे भी एक आईडी ले लिया, मतलब लड़के को एडमिशन करा दिया आईटी स्मार्ट में और पिताजी को एडमिशन करा दिया हेल्थ में, ऐसे भी मैंने देखा, दे आर एक्सीलेंट फॉलोअपर।
ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। तो अभी ये जो सारा जो खेल है ना भाई, ये सारा खेल ये पांच के ऊपर डिपेंड करता है, ये फाइव जो मतलब आपका जो प्रोस्पेक्ट है डिपेंड कर रहा है कि आप उसमें से कितने लोगों को आप फॉलो अप करके कन्वर्ट कर पा रहे हो, क्लियर कर पा रहा हूँ। तो अगर एक धमाका लेवल का फॉलो अप कर रहे हो आप, तो पांच में से चार डीडी निकल जाएगा, तीन डीडी आराम से निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक्सीलेंट फॉलो अपर बनना है। अब मैं राइट और रॉन्ग, अब मैं राइट और रॉन्ग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, स्मार्ट वैल्यू में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्लियर कर पा रहा हूँ ना। फॉलो अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपका जो कन्वर्शन बहुत 70-80% डिपेंड करता है फॉलो अप के ऊपर, क्लियर कर पा रहा हूं मैं। मैं आपको टोटल जो स्टेटिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया, मैं डिवाइड करके बता दिया कि 10 में से दो डीडी आप छोड़ दीजिए, दो आदमी ऐसा आएगा जो डिस्टर्ब करने के लिए आएगा, जो गधा आएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बेकार आदमी ऐसा दो मिल जाएगा आपको, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तीन तो ऐसे निकल जाते हैं, बाकी रह गया पांच, उसको आपको लगे रहना है, उसके पीछे पड़े रहना है और डीडी निकालना है, क्लियर कर पा रहा हूँ। तो ये हो गया वही फॉलो अप क्यों करना है, अभी डिस्कशन करूंगा फॉलो अप कैसे करना है, हाउ पार्ट, फिर इस हाउ फॉलो अप कैसे करना है। और आज मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि एकदम नया नया ज्वाइन किया है, स्मार्ट वैल्यू में आए हैं, न्यू एसोसिएट्स जो 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीने से बिजनेस को कर रहे हैं, मैं उनके लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। और जरूर आप, मैं जो आपको जो फॉर्मेट दे रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप फॉलो अप सीख पाओगे, और जो डीडी है वो आप कंफर्म कर पाओगे। आपको कोई कन्वर्शन के ऊपर सेल कंफर्म करना है तो आपको कोई सीनियर के ऊपर डिपेंड करके नहीं बैठना है। और एक बात क्या है कि फॉलो अप में एसोसिएट्स मतलब जो इनवाइटिंग कर रहा है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैक्सिमम टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, उसका कोई वो कोई रोल नहीं निभाता है, वो सिर्फ सीनियर के सामने बिठा देता है, बाकी काम आप देख लो। सीनियर के हाथ में मशीन है, वो कोई मशीन में कुछ उसको डालेगा और जब निकलेगा तो डीडी लेके निकलेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के अंदर मतलब कंसेप्शन ऐसा है, पर ऐसा नहीं करना है। आपको भी फॉलो अप का मतलब आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको भी उसका आपको हिस्सा लेना पड़ेगा फॉलो अप का, तभी जाके डीडी कंफर्म होगा। क्योंकि सीनियर आपको, आपका जो प्रोस्पेक्ट है सीनियर उसको नहीं पहचानते, आप उसको पहचानते हो, तो आपका भी एक रोल है। वो रोल क्या है, वो कैसे करना है, वो ही मैं डिस्कशन करूंगा कि हाउ पार्ट। सबसे पहले मैंने क्या बोला था फर्स्ट में कि फॉलो अप स्टार्ट कब होता है, जब एसटीपी खत्म होता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आप लिख लीजिए, दैट इज आफ्टर एसटीपी क्लोजिंग, क्योंकि दोस्तों फॉलो अप यहीं से स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर एसटीपी से आपका फॉलो अप स्टार्ट हो रहा है, यहीं से फॉलो अप स्टार्ट हो रहा है। तो आप लिख लीजिए कि आफ्टर एसटीपी क्लोजिंग कैसे करना है। एसटीपी खत्म हो गया, आधा डेढ़ घंटा, पौने दो घंटा या फिर एक घंटे का प्लान शो हो गया। अभी प्लान शो के बाद क्या हो जाता है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है ये थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, प्रोस्पेक्ट जो होता है ये थोड़ा बहुत मतलब टायर्ड हो जाता है, या फिर मेंटली थोड़ा बहुत टायर्ड हो जाता है, क्लियर कर पा रहा हूं ना। क्योंकि एक घंटे से सिर्फ सुना, और आज के दिन में तो सुनने का आदत नहीं है, किसी को भी सुनने का आदत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज जो किसी मतलब एक घंटा लेक्चर सुन रहा है, एक 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का एक लड़का, एक लड़की एक घंटा किसी का सुन रहा है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। ये स्मार्ट वैल्यू का मैं मानता हूं सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वो किसी का नहीं सुनता, वो कॉलेज में लेक्चर नहीं सुनता, वो माँ बाप का नहीं सुनता, वो भाई का नहीं सुनता, एक घंटा सुनता ही नहीं किसी का। एक घंटा तो छोड़ दो, 10 मिनट भी सुनने का आदत नहीं किसी का। उस जगह पे आप एक घंटा उसको सुना रहे हो, चुपचाप बैठ के सुन रहा है, वो थोड़ा परेशान हो जाता है दोस्तों, वो डेफिनेटली वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर प्रेजेंटेशन आपका काम क्या है, उसको थोड़ा रिलैक्स करना, थोड़ा रिलैक्स करो, आराम से उसको उसे उसे उसके साथ पेश आना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान शो खत्म हो गया, चलो फटाक से पकड़ लिया, फटाक से पकड़ के बोला हाँ बोल क्या क्या करना है, क्या बोलना है, इमीडिएट क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या कर पा रहा हूँ, वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। नहीं, एक घंटा डेढ़ घंटा से बैठ के उस सुना, ऐसे बहुत सारी जगह पे मैंने देखा, हम लोगों का प्लान शो होता है जहाँ पे शायद बहुत गर्मी होता है, या फिर फैन ठीक ठाक काम नहीं करता है, राइट, वहां पे पसीना बह जाता है, वहां पे बहुत गर्मी लगता है, उसने पानी नहीं पिया, क्या कर पा रहा हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले उसको क्या करना है, रिलैक्स करना है, सबसे पहले क्या करना है, सो एक्साइटमेंट दिखाना है, एक जबरदस्त लेवल का हैंडशेक करना है, क्लियर कर पा रहा हूँ। अभी अगर हैंडशेक करना है तो सैनिटाइजर लगा के हैंडशेक करना है, क्लियर कर पा रहा हूँ। तो हैंडशेक करके उसको एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा, पहला जो पॉइंट है दोस्तों, दैट इज शो एक्साइटमेंट।
कि पहले भाई मुझे थैंक यू बोल, हाथ मिलाओ थैंक यू बोल। मैं बोला था ना एक जबरदस्त चीज मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे बोला था ना एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, राइट? मिला के नहीं मिला, उसको अगर अच्छा भी नहीं लगेगा फिर भी हाथ मिला के बोला हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट लेवल ही ऐसा होगा, आपका एक्साइटमेंट लेवल भी ऐसा रहेगा। बहुत से लोगों के चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता है, राइट? उसको आप ऐसे ही नॉर्मली बात करते हो कि भाई इधर आ, नहीं ऐसा नहीं, एकदम शेक हैंड, अच्छे से शेक हैंड कीजिए और एक एक्साइटमेंट दिखाइए, और उसके साथ उसको ये पूछिए कि थैंक यू बोलने के लिए बोलो, राइट? तो ये हो गया। उसके बाद उसको थोड़ा रिलैक्स करना है, भाई पानी पीना है, बाथरूम जाना है, राइट? आराम से कोई भी जगह पे उसको जाकर मैंने बिठाया, उसको 2 से 5 मिनट के लिए उसको थोड़ा रिलैक्स करा दीजिए, लेकर पा रहा हूँ क्योंकि बेचारा परेशान है। एक बात आपको मानना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा बैठ कर प्लान से सुन रहे हैं, वो थोड़ा बहुत परेशान है, ओके ना? तो आप क्या कीजिए, मेक हिम और हर रिलैक्स, थोड़ा पानी वानी उसको पिला दीजिए, या फिर हो सकता है कि दोपहर को उसने या सुबह को कुछ खा के नहीं आया, अगर आपके पास कोई टिफिन वगैरह होगा या फिर केक वेक होगा उसको थोड़ा बहुत खिला दीजिए, क्लियर? हम लोग ऐसे भी करते, उसको चाय के दुकान पे लेके जाते थे, थोड़ा बहुत चाय वाय पिला के रिलैक्स करा के पानी वानी पिला के उसके बाद उसको मैं उसके साथ बात करने का बात मैं स्टार्ट करता था या हम लोग स्टार्ट करते थे। तो ये पार्ट हो गया। तो सेकेंड पार्ट क्या है, पॉइंट टू, दैट इज मेक हिम और हर रिलैक्स, उसको रिलैक्स कराना होगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन पूछना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक फीडबैक, फीडबैक लेना है, फीडबैक। 1 घंटा 2 घंटे से उसने सिर्फ सुना। अब भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। एक बंदे को आप खिला रहे हो, आप खाना खिला रहे हो, एक एक खाना आप सर्व कर रहे हो, उसके बाद आप उससे फीडबैक लोगे कि नहीं लोगे, कैसा लगा, और दू और लोगे आप फीडबैक, लेते कि नहीं लेते हैं? डेफिनेटली लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, या फिर एक के बाद एक खाना ही सर्व कर दें, उसको सिर्फ पूछते हैं, ऐसा ऐसा बात तो नहीं है ना। आपको क्या करना है, फीडबैक लेना है, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ सुना, उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। वो जितना बकेगा ना आपको फॉलो अप करने के लिए उतना ही आसान हो जाएगा। उल्टा फुल्टा बकने दो, पर बकने दो, जितना बकेगा उतना ज्यादा फॉलो अप आसान हो जाएगा। उसको बोलने दो, ऐसे तो नहीं बोलेगा, क्या करना होगा, क्वेश्चन पूछो। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी है निकल के सामने आएगा। दूसरी बात क्या है, उसके आपको पता लग जाएगा कि उसने कितना ले पाया, वो कितना खा पाया, उसके पेट में कितना गया, पहले आपको देखना पड़ेगा वो कितना खाया, उसके बाद आप दोगे ना। हम लोग क्या करते हैं, प्लान शो के बाद फिर से उसको समझाने का कोशिश करते हैं, फिर से उसको कुछ खिलाने का कोशिश करते हैं, उल्टी हो जाएगा, वो लेगा ही नहीं, वो पूरा नाक कान सब कुछ बंद करके बैठा रहेगा, आपको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि खाने के ऊपर खाना दे रहे हो, आप नहीं देख रहे हो कि कितना डाइजेस्ट हुआ है, ये आप नहीं देख रहे हो। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कितना खाना पहले डाइजेस्ट हुआ है, उसके बाद उसको खाना आपको सर्व करो। तो आपको क्वेश्चन पूछो। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, आस्क हिम और हर क्वेश्चंस, 8 to 10 क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछना है, पहले बता, सबसे पहले ये बता कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा तुझे। यहाँ पे देख बहुत सारी चीज है, मैं बता रहा हूँ, एडुकेशन है, यहाँ पे हेल्थ है, यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग साइंस है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, यहाँ पे मनी फ्रीडम है, यहाँ पे रिकॉग्निशन है, यहाँ पे ड्रीम फुलफिलमेंट है, यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, कौन सा पार्ट तुझे सबसे बेहतरीन लगा पहले ये मुझे बता। वो तब सोचेगा इतना कुछ था क्या क्योंकि इतना कुछ दिमाग में जाता नहीं, क्या कर पा रहा हूं, पहले दिन में एसटीबी देख के किसी को इतना कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपने क्या किया, बहुत सारे ऑप्शंस उसको दे दिया, 8-10 ऑप्शन दे दिया, एजुकेशन, हेल्थ, टाइम कंपाउंडिंग साइंस, इनकम, ड्रीम फुलफिलमेंट, सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रिकॉग्निशन, इतना कुछ मैंने आपने उसको किया, उसके सामने खोल दिया। अभी तो 2 से 3 तो पिक करेगा ना, वो 2 से 3 तो पिक करेगा, वो कुछ ना कुछ पिक करेगा। वो क्या बताएगा, हाँ इनकम बहुत अच्छा लगा, एडुकेशन अच्छा लगा, और हाँ वो जो टाइम कंपाउंडिंग बताया ना वो भी बहुत अच्छा लगा। क्या कर पा रहा हूँ, देखिए आपको अभी धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर वो नेगेटिव भी होता ना फिर भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद क्या सवाल पूछना है, अच्छा एडुकेशन अच्छा बोला ना, अच्छा अच्छा बोल तो एडुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन करा रहा है, मतलब जहां से तू एडुकेशन लेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है,
बोलेगा ऐसा कुछ आईपीएल वगैरह ऐसा कुछ। अरे गधा, आईपीएल नहीं, एपीएलएल है, राइट। उसके बाद अच्छा कौन सा कोर्स को लेके तू सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब तुझे कौन सा कोर्स लगता है कि तेरे लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल है, आईटी स्मार्ट, स्मार्ट कॉमर्स, कौन सा कोर्स? अभी आपने सवाल पूछा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। सवाल आपने क्या किया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं पूछना है कि तुझे कौन सा कोर्स करना है, ऐसा नहीं पूछना है तू कौन सा कोर्स करेगा, ऐसा नहीं पूछना है। क्या पूछना है, तुझे क्या लगता है कौन सा कोर्स तेरे लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल होगा? कोई ओपन एंड डायरेक्ट सवाल नहीं पूछना है दोस्तों, आप लिख लो, कोई ओपन एंड या डायरेक्ट सवाल आपको नहीं पूछना हो, आपको नहीं पूछना है। अच्छा मेरा अच्छा मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, यस यस अच्छा यस एक तो मैसेज किया कि आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है ना? हाँ, क्लियर क्लियर एकदम। एनीवेज तो आप लिख लो, कोई ओपन एंड क्वेश्चन नहीं पूछना है, कोई डायरेक्ट सवाल नहीं पूछना है, आप ऐसे पूछ लो। अभी उसको फिर से पूछो, अच्छा बोल आईटी स्मार्ट ना, आईटी स्मार्ट तेरे लिए सुइटेबल है, अच्छा आईटी स्मार्ट का कंटेंट क्या है बता तो, थोड़ा क्या क्या सिखाया जाएगा? दिस इज कॉल्ड सेल्फ फॉलो अप। देखो आप वो खुद अपने आप का अप, वो खुद क्या कर रहा है, खुद का फॉलो अप कर रहा है, यस और नो? आप उसका फॉलो अप नहीं कर रहे हो, वो खुद खुद का फॉलो अप कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ फॉलो अप। वो बोलेगा हाँ ऐसा कुछ बेसिक्स है, एचटीएमएल वगैरह, डीएचटीएमएल वगैरह। अच्छा बोल तो एचटीएमएल डीएचटीएमएल क्यों सीखना है, या फिर वेब डिजाइनिंग सीख के तू करेगा क्या? वो क्या बोलेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि वेब डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा मार्केट ओपनिंग्स है, बहुत कुछ मिलता है, आज सब कुछ वेबसाइट के ऊपर ही है, आज वेबसाइट का जरूरत सबसे ज्यादा है, इंडिया डिजिटल इंडिया बन चुका है, बहुत ज्यादा स्कोप है, लाखों नौकरी है। आपने कुछ नहीं बताया, वो खुद का फॉलोअप खुद कर रहा है, यस और नो? क्लियर कर पा रहा हूं? या फिर अगर बोलते हैं स्मार्ट कॉमर्स, सेम सवाल पूछिए कि स्मार्ट कॉमर्स बोल तुझे क्यों करना है, स्मार्ट कॉमर्स तुझे इतना अच्छा क्यों लगा भाई, बोल तो जरा। तो भी सेम बात बोलेगा कि स्मार्ट कॉमर्स में बहुत अपडेटेड चीज सिखाया जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जा रहा है, ई कॉमर्स एम कॉमर्स सिखाया जा रहा है, तो सेल्फ फॉलोअप। क्लियर कर पा रहा हूं? नेक्स्ट उसको ये सवाल पूछना है, नेक्स्ट उसको ये सवाल पूछना है, अच्छा कोर्स करेगा डेफिनेटली, और उसके साथ साथ कोर्स के साथ साथ तुझे दिखाया गया कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट्स मिलेगा, क्या क्या मिलेगा बता तो सही। वो खुद का फॉलोअप खुद ही करेगा, उसको जितना याद है वो खुद बोलेगा। आपको करना क्या है, वो एटलीस्ट 5 से 6 सपोर्ट्स वो बोलेगा, बुक्स मिल रहा है, डीवीडी मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, 10-12 अगर एडिशनल सपोर्ट्स है उसमें से 5 या 6 बोलेगा, बाकी 5 या 6 आपको ऐड करना है, जो उसको याद नहीं है, जो उसको समझ में नहीं आ गया, जो भूल गया उसको ऐड करना है। आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, वो खुद का फॉलोअप खुद ही कर रहा है, उसका खुद का फॉलोअप खुद को ही करने दो। उसके बाद अच्छा इनकम पार्ट जो तुझे दिखाया गया, क्या कर पा रहा हूं इनकम पार्ट में, ये इनकम तुझे क्यों चाहिए, तुझे क्यों लग रहा है कि यहां से इनकम करना होगा? बोला हाँ जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी वे से इनकम करने का मौका मिल रहा है। अच्छा टाइम कंपाउंडिंग साइंस में ऐसा क्या देखा कि तुझे बहुत अच्छा लगा? टाइम कंपाउंडिंग साइंस में मुझे ये अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि मैं दूसरे लोगों का टाइम, टैलेंट, एफर्ट, मैं दूसरे लोगों को मैं काम पे लगा रहा हूँ और वहां से मुझे आउटपुट मिल रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई आधा फॉलोअप खुद का फॉलोअप खुद ही कर दिया, और जो आधा बाकी है वो आपको थोड़ा बहुत आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया एंड शो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद एक के बाद आप डॉक्यूमेंट्स निकालना स्टार्ट किए। क्लियर कर पा रहा हूँ? हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप का डॉक्यूमेंट्स है, अभी तो लैपटॉप में सब कुछ आ गया या फोन में सब कुछ आ गया, हम लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, डिफरेंट टाइप का फाइल्स आ गया। आप धीरे 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 आप उसको एक के बाद वन बाई वन आप उसको दिखा दिए, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट के अंदर आपने, 10 मिनट भी लगता है, 5 से 8 मिनट के अंदर आपने दिखा दिया, आपके पास जो भी है वो आपने दिखा दिया, प्रोस्पेक्टस वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, हम लोगों का एपीएलएल का डिफरेंट एक्टिविटीज कहाँ कहाँ पे सेंटर्स है, लैपटॉप में दिखा दिया या फिर फोन पे दिखा दिया, आपने दिखा दिया और बाकी हो गया, डॉक्यूमेंट्स पार्ट कंप्लीट। तो डॉक्यूमेंट्स पार्ट क्या था, फोर्थ पार्ट था। अभी फिफ्थ पार्ट क्या करना है, अभी करना जो है दैट इज क्लोजिंग करना है, एबीसी, माइंड इट, लिख लो फिफ्थ पार्ट जो एबीसी, ऑलवेज बी क्लोजिंग, यही से आपको वहां से चिपकाना है। क्या कर पा रहा हूं, यही से चिपकाना स्टार्ट होगा, राइट। ये मेरा, मैं ये लैंग्वेज बोल रहा हूं पर क्या है, चलो ये ऐसे ही चलता है यहाँ पे हम लोगों का, यहाँ पे यही से आपको वहां पे स्टार्ट करना है, एबीसी मतलब ऑलवेज बी क्लोजिंग, यही से आपको धीरे धीरे क्लोजिंग करना है। कैसे क्लोजिंग करना है मैं आपको बता रहा हूँ,
देखो उसको पता नहीं लगेगा आप क्लोजिंग कर रहे हो, फिर आपको आप क्लोजिंग करो। अच्छा ये बता तू आईटी स्मार्ट करेगा तो कहाँ का काम, कौन से सेंटर से करेगा तू, कौन से सेंटर से तू करना चाहता है? 5 किलोमीटर दूर एक सेंटर है, 10 किलोमीटर एक सेंटर है, सेंटर एक्स वाई जेड, कहां से तू करेगा? ओके तब कुछ ना कुछ बोलेगा हाँ मैं वहां से करूंगा, वेरी गुड। अच्छा तेरा टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह को रहेगा, दोपहर को रहेगा या फिर शाम को रहेगा? अच्छा सुबह को रहेगा, अच्छा वेरी गुड। अच्छा तू मंडे वेंसडे फ्राइडे करेगा या फिर थर्सडे या फिर ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे करेगा? कुछ ना कुछ बोलेगा, पर फिलहाल तो भाई तुझे तो अभी मौका नहीं मिलेगा सेंटर में जाके क्लास करने का, पर अभी एपीएलएल क्या करेगा, तुझे ऑनलाइन सर्विसेज तुझे देगा, हफ्ते में 3 दिन 2 घंटा सेम सर्विसेज तुझे एपीएलएल का जो डेडिकेटेड टीचर्स है वो तुझे ऑनलाइन सर्विसेज अभी दे देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का सर्कुलेशन अभी तक नहीं आया, जब तक नहीं आएगा तुझे अभी ऑनलाइन मिलता रहेगा, उसके बाद जब भी सेंटर खुलेगा वहां पे जाके तुझे फिर से पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ये बात उसको क्लियर कर देना, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन में ही हो रहा है, क्योंकि देखो भाई इंसान का सोच बदल रहा है, सोच बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पहले मोबाइल की वजह से बच्चों का पढ़ाई खराब होता था और अभी मोबाइल में ही बच्चे लोगों का पढ़ाई हो रहा है कि नहीं? तो ये है चेंजेस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस, आपको इस चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले मतलब गर्जियन लोग माँ बाप लोग क्या करते थे, बच्चे को मोबाइल से दूर रखते थे, पढ़ाई खराब होगा इसलिए, और आज उस मोबाइल की वजह से ही पढ़ाई हो रहा है, सही बात कि नहीं? तो आपको वही बात है कि अभी आपको धीरे धीरे क्लोजिंग करना है, समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा तेरा मतलब इनकम के लिए तुझे पैन कार्ड चाहिए, उसके साथ साथ तुझे तुझे तेरा आईडी प्रूफ चाहिए, क्या कर पा रहा हूँ? तो धीरे धीरे मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अभी क्लोजिंग अब जब करोगे ना, क्लोजिंग अब जब करोगे और उसके बाद आप एक सवाल पूछ देना कि यहाँ पे आपको लगेगा 15,000 लगेगा आईटी स्मार्ट के लिए, तू ये ऑनलाइन पे करेगा, थ्रू डीडी पे करेगा या फिर थ्रू कार्ड पे करेगा? डायरेक्टली सवाल पूछ दो, क्या कर पा रहा हूं, समझ में आ रहा है? आप ये सवाल जब पूछोगे ना तब असली जो प्रॉब्लम है वो सामने आ जाएगा, राइट? अभी मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोस्पेक्ट का 3 कैटेगरी होता है, ये 3 कैटेगरी के हिसाब से आपको उसका क्लोजिंग करना चाहिए। पहला कैटेगरी क्या होता है, 100% पॉजिटिव, जो प्लान देखने के बाद आपको बोलेगा हाँ भाई पक्का मैं एडमिशन ले लूंगा, वो बहुत कंफर्म हो जाता है, मतलब प्लान देखने के बाद ही कंफर्म हो जाता है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग 100% कैटेगरी में ये लोग रहते हैं, 100% कंफर्म कैटेगरी में रहते हैं, उसका कंफर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म इसलिए हम लोग नाचते हैं बहुत, राइट? पर नाचना नहीं है, जब तक पैसा हाथ में ना आया तब तक आपका डीडी कंफर्म नहीं हुआ, ये आप समझ लो या सीख लो, जब तक हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक आपका डीडी कंफर्म नहीं हुआ, तब तक आपका सेल कंफर्म नहीं हुआ, सेल का रूल है। तो आपको करना क्या है, उस वक्त आपको बहुत ज्यादा आनंद होने का कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डीडी कंफर्म हो गया बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, अगर डीडी कैंसिल हो गया बहुत ज्यादा आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मल चीज है, कुछ लोग आएगा कुछ लोग नहीं आएगा, इसको एक्सेप्ट कीजिए ना। कुछ लोग क्या होता है कि डीडी आता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, और डीडी कैंसिल हो जाता है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्यों भाई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या करना है, 100% पॉजिटिव है तो उसको क्या करना है, उसको यही बोलना है कि भाई देख फर्स्ट कम फर्स्ट सर, जो पहले आएगा उसको पहले मौका मिलेगा। अभी अगर तू एडमिशन कंफर्म कर लेगा, अभी अगर तेरा लॉगिन हो जाएगा, अभी अगर तेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, इसके बाद जो जो आएगा तेरे नीचे आएगा, उसका उसका फायदा तुझे मिलेगा। अभी अगर तू आज दो बजे अभी अगर तेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, 2 बजे के बाद जो जो आएगा तेरे नीचे आएगा, अगर 2 बंदा भी आया तो तेरे नीचे जिंदगी भर काम करेगा, तू खुद ग्रेजुएट है। ऐसा भी हो सकता है कि शाम को 2 बंदा आया जो एक मास्टर डिग्री होल्डर है, एक बीटेक इंजीनियर है, तो तू खुद ग्रेजुएट है, पर तेरे नीचे जिंदगी भर एक बीटेक इंजीनियर है, एक मास्टर डिग्री होल्डर जिंदगी भर काम करेगा, उसका फायदा तुझे जिंदगी भर मिलेगा, तो कैसा होगा? अभी 2 जन के लिए कितना मिलता है, 1,000 रुपए मिलते हैं, 1,000 रुपए बड़ी बात नहीं है, पर आने वाले 1 साल में ये 2 जन 200 का टीम बनाएगा, अभी 200 × 500 मतलब कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख ज्यादा कमाएगा अगर अगर अभी एडमिशन लेगा, कंफर्म कर लेगा तो, क्योंकि देख भाई एडमिशन लेगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि एडमिशन तुझे लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी बात ऐसा है कि अगर आज आज नहीं तो अगर कल लेगा तो क्या एक के साथ एक मुफ्त मिलेगा, बाई वन गेट वन ऑफर मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं ना, दिवाली बंपर ऑफर कोई ऑफर चल रहा है नहीं, तो आज लेगा 15,000 कल लेगा 15,000, आज ही ले लेना, इतना फायदा होगा। और अगर देर करेगा तो क्या होगा, जिंदगी भर तुझे किसी के नीचे काम करना पड़ेगा और उसका फायदा तुझे नहीं मिलेगा,
उसको वो उठाएगा, तब वो क्या बोलेगा भाई इस वक्त तो 15,000 नहीं है, 15,000 नहीं है कोई बात नहीं है, एटलीस्ट 60% देके तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है इस वक्त, 40% देके रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एटलीस्ट 30% देके रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो लगभग 30%, 15,000 का 30% मतलब ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 जितना हो सकता है मैं उठा लिया, मैं उससे ले लिया और उसको फॉर्म फिलअप कराया, एप्लीकेशन लिखाया और आप किसी से कैश ले रहे हो, अगर आप किसी से कैश ले रहे हो ना तो टोटल जो नोट का जो नंबर्स है वो एक पेज में उससे ही लिखाना और नीचे उससे साइन करवा देना, क्लियर कर पा रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो उसका मैसेज संभाल के रखना, क्लियर कर पा रहा हूँ, और उसको भी बोलना कि भाई ये मैसेज संभाल के रखना क्योंकि ये प्रूफ है कि तूने मुझे पैसा ट्रांसफर किया है, क्योंकि काम में जो पैसे का जो लेन देन है उसमें ट्रांसफरेंसी होना बहुत जरूरी है भाई। सुशोभन अमरनाथ बोल रहा हूँ, मैं सभी को बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट पेमेंट कलेक्शन में मैंने जो एक लगाया, थोड़ा बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ सुशोभन को, डोंट माइंड, पार्ट पेमेंट कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ले आने के लिए अभी कंपनी का जो पेमेंट मोड है दैट इज गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, पेटीएम, कोई भी पार्ट पेमेंट अगर लेके आएगा कोई भी प्रोस्पेक्ट, सभी के पास आज के दिन में स्मार्टफोन है और सभी गूगल पे फोन पे मोर ऑर लेस एक्सेस करते हैं, उसी जगह में खड़े खड़े उनके हाथ से पैसा ना लेते हुए डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करवाया जाए और उसका स्क्रीनशॉट रख लिया जाए ताकि फाइनल बिलिंग जब होगा एज रेफरेंस हम उन सारे स्क्रीनशॉट को इस्तेमाल करके फाइनल बिलिंग कर पाएंगे। उसमें क्या होगा, प्रोस्पेक्ट साइकोलॉजिकली ज्यादा ब्लॉक होंगे कि पैसा कंपनी के घर तक चला गया। सेकेंड क्या होगा, कोई पार्ट पेमेंट का जो इधर उधर हो जाता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हर एक टाइम में एसोसिएट रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, कई कई टाइम में एसोसिएट क्राइसिस के वजह से पार्ट पेमेंट का ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते या तो मिसमैनेज हो जाता है, तो वो चीजों को भी हम लोग एक टू ए ग्रेट एक्सटेंट उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। तो व्हाट एवर द पार्ट पेमेंट वो बंदा लेके आएगा, इमीडिएटली खड़े होकर वही रूम पे बैठ के वही कुर्सी में बैठ के उनके अकाउंट से डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कराओ, सो दैट साइकोलॉजिकली ज्यादा वो ब्लॉक भी होगा, फुल पेमेंट निकलने का चांसेस भी बढ़ेगा, एंड जहां तक हमारा ट्रांसपेरेंसी है, हम लोग जो पार्ट पेमेंट पैसा ये जो लिक्विड लेना देना इसमें भी हम लोग कई हद तक उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, ये मेरा मतलब ये मैं हर एक ट्रेनिंग में सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, बाकी सुशोभन आगे बढ़े। थैंक यू। तो हाँ ये तो दादा ने हम लोगों को भी बताया था कि देखिए आप जब किसी को मतलब उसको जब कोई उसका पिताजी पूछेगा तो पैसा किसको दिया, मैंने उसको दिया, मैंने अभिषेक को पैसा दे दिया, मैं सुशांत को पैसा दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में अगर आप उसको सेंड करवा देते हो ना तो डेफिनेटली क्या होगा, सो डेफिनेटली अगर आप उसको दे दोगे तो उसके अंदर एक बिलीफ जनरेट होगा, नहीं मैंने कोई इंडिविजुअल को पैसा नहीं दिया, मैं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मैंने भेज दिया, क्लियर कर पा रहे हो। और एक चीज है कि आप उससे पार्ट पेमेंट कलेक्ट करवा रहे हो ना, पार्ट पेमेंट कलेक्ट जब कर रहे हो तो जितना हो सके सिग्नेचर कराओ, सिग्नेचर एक एक फॉर्म में 2-3 सिग्नेचर कराओ, आप एप्लीकेशन में सिग्नेचर कराओ, मिनिमम 5-6 आप उसको सिग्नेचर कराओ, क्योंकि एक बंदा जितना ज्यादा सिग्नेचर करेगा उतना ज्यादा वो साइकोलॉजिकली ब्लॉक हो जाएगा और उसको लगेगा कि नहीं मैं ऑलरेडी सिग्नेचर किया, 5-6 मैंने सिग्नेचर किया मतलब ऑलरेडी मैं आ चुका हूं, मैंने ऑलरेडी मैं उसमें साथ उसके साथ इन्वॉल्व हो चुका हूं, तो ज्यादा से ज्यादा सिग्नेचर कराइए। तो ये हो गया दोस्तों कि जो 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा उसके साथ आपको कैसे पेश आना है, मैं उसको आपको समझा दिया, जितना हो सके आप पैसा उससे ले सकते हैं प्रॉपर वे में लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसके साथ उसको फॉर्म फिलअप करा के एप्लीकेशन करा के अगर नोट देता है तो नोट का जो नंबर है उस नोट नंबर लिख के उसके नीचे सिग्नेचर करा के आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। और उसके साथ हम लोग पहले पहले में हम लोग भी करते थे, जब हम लोग शुरू शुरू में बिजनेस को स्टार्ट किए थे शुरू शुरू में हम लोग क्या करते थे कि उसको साइकोलॉजिकली ब्लॉक करने के लिए हम लोग साइबर कैफे में उसको लेके जाते थे और लॉग इन करा के जो लिस्ट में जो पेज आता है उसका कलर प्रिंट आउट करके उसके हाथ में दे देते थे। क्या कर पा रहा हूं, आप ये भी कर सकते हैं, अभी अभी के टाइम में ऐसा कोई नहीं करता है पर हम लोग करते थे। इससे क्या होता था कि साइकोलॉजिकली वो ब्लॉक हो जाता था, आप उसको नजदीक कोई साइबर कैफे में ले जाके उसका तुरंत आप लॉग इन करा दीजिए और लॉग इन कराने के बाद जो पेज आता है वो पेज का प्रिंट आउट उसके हाथ में कलर प्रिंट आउट उसके हाथ में दे दीजिए। क्लियर कर पा रहा हूँ, इससे क्या होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है कि ना नहीं मेरा हो गया, क्योंकि आज देखो आज डिजिटली हम लोग कितना भी आगे बढ़ चुके हैं
क्योंकि बिलीव तो ही आता है ना जब हाथ में एक पर्ची मिलता है, यस और नो, यस और नो। हाथ में जब कोई पर्ची मिलता है, हाथ में जब कोई स्टेटमेंट मिलता है ना, हाथ में जब कोई कागज मिलता है, उसका ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है। आज भी इंडिया में आज भी उसका ऑथेंटिसिटी काफी ज्यादा है। तो आप कुछ भी कर लो डिजिटली, सबसे बेस्ट आइडिया जो है आप साइबर कैफे में ले जाकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसके हाथ में दे दो, हो गया। तो 100% जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा उसको कैसे ट्रीट करना है, ये मैंने दिखा दिया पहला कैटेगरी। अभी दूसरा कैटेगरी क्या है, 50-50। बात करने से पता चल जाएगा ये थोड़ा बैक गियर मार रहा है, नहीं सब कुछ ठीक है, एक बार पापा से पूछना पड़ेगा, पापा अगर पैसा देगा तो डेफिनेटली हम इसे ले लेंगे, नहीं सब कुछ ठीक है, पर एक बार मेरे टीचर को पूछना पड़ेगा, नहीं सब कुछ ठीक है, एक बार मामा से पूछना है, नहीं सब कुछ ठीक है, मेरा भैया जो है वो बाहर में नौकरी करता है दिल्ली में, कंप्यूटर फील्ड में काम करता है, उससे थोड़ा मुझे पूछना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा है, मतलब ही इज नॉट ए डिसीजन मेकर, ही और शी इज नॉट ए डिसीजन मेकर। तो ये दूसरा कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, जो खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, और इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, 50-50, मतलब 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव, और वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इस केस में हम लोग को करना क्या है, उसको ज्यादा नींबू को ज्यादा निचोड़ना नहीं है, आपको ज्यादा सब फटक से आपको उसका होम जो वेरिफिकेशन है, होम फॉलोअप, ये होम फॉलोअप अपॉइंट करना है, क्या कर पा रहा हूँ, टाइम अपॉइंटमेंट करना है, क्या कर पा रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ गया कि भाई इसको फॉलोअप करके कुछ फायदा नहीं है, इसको तो फॉलोअप करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसका जो डिसीशन मेकर है, जो पैसा देगा अल्टीमेटली, जिसके जेब से माल निकलेगा, जो माल देगा उसको फॉलोअप करना जरूरी है। उसके लिए करना क्या है कि होम फीडबैक। अच्छा भाई अभी डिसीशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, अभी डिसीशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्या कर पा रहा हूं, और वो जो सुनना चाह रहा है आप उसको वही बोलो, क्या कर पा रहा हूं, वो क्या सुनना चाह रहा है, वो क्या सुनना नहीं चाह रहा है, सुनना ये नहीं चाह रहा है कि आप उसको फोर्स करोगे, आप उसको समझाओगे, पैसा निकालने का कोशिश करोगे, उसको पता है, आप उसका उल्टा करो, कोई जरूरत नहीं भाई, मैंने भी तो डिसीशन नहीं ले पाया था। फील फेल्ड फाउंड, जो फॉलोअप का सबसे बड़ा वीपन है, लिख लो एफ थ्योरी, फील फेल्ड फाउंड थ्योरी। अरे मेरा भी तो सेम प्रॉब्लम हुआ था, मैं भी तो डिसीशन नहीं ले पा रहा था। हाँ ये तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना, एक घंटे का एक प्रेजेंटेशन देखा और उसके बाद एक डिसीशन लेके 15,000 लेके चला आया, ये तो पॉसिबल नहीं होता है। मैंने भी तो ऐसे सेम प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने क्या किया था, अपने सीनियर को बताया था, और सीनियर ने मुझे क्या बताया, तब मुझे क्या मुझे सजेशन दिया कि भाई तुम आराम से घर जाओ और मम्मी पापा के साथ बात करो, और एक टाइम में हम लोग जरूर मम्मी पापा के साथ, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ मैं जरूर आके मैं बात करूंगा, क्लियर कर पा रहा हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, जो सीनियर लोग हैं, मेरे पापा के साथ बात किया, पापा को समझाया, पापा पैसा दे दिया क्योंकि मैं समझा नहीं पाया, राइट। तो फील फेल्ड फाउंड, राइट, उसको फील फेल्ड फाउंड जब आप थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या बोलेगा, हाँ ठीक है। आप उसको ही बोलो भाई अभी चिंता मत कर, कोच टेंशन वेंशन मत ले, अभी तो आराम से घर जा और खाना वाना खा के थोड़ा बहुत आराम से सोच, उसके बाद मैं हूं ना, उसके बाद कोई एक टाइम में मैं आ रहा हूं। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग घर घुसने नहीं देता है, तब आपको क्या करना है, क्या कर पा रहा हूं, आप उसको पहले ही बता दो, पहले ही बता दो कि भाई तेरा एडमिशन से ज्यादा हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्या है, बोलते तेरा एडमिशन से भी ज्यादा हम लोगों का इंपॉर्टेंट, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तेरा होम वेरिफिकेशन, क्योंकि भाई हम लोगों का एक रूल है, हम लोगों का एक मतलब क्या बोल सकते हैं, हम लोगों को ये करना पड़ता है कि जिसने ये प्रेजेंटेशन अटेंड किया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को उसके घर जाना पड़ता है और 5 मिनट का एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। कुछ नहीं, तेरा एडमिशन मेरे लिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये होम वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम लोगों को फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को लेके जाके तेरे पापा के साथ या मम्मी के साथ 2-3 सवाल पूछना है और एक सिग्नेचर करा के हम लोग आ जाएंगे, मैं आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम लोगों को मेल करके भेजना पड़ता है, क्लियर कर पा रहा हूं मैं। क्योंकि देख बात क्या है, तू स्टेट बैंक से लोन लेगा, स्टेट बैंक तेरे घर में होम वेरिफिकेशन करेगा कि नहीं करेगा, तू एक्सिस बैंक से तू क्रेडिट कार्ड लेगा, एक्सिस बैंक तेरे घर में आके होम वेरिफिकेशन करेगा कि नहीं करेगा। तो APLL स्मार्ट वैल्यू भी इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी तो तेरे घर में आके होम वेरिफिकेशन करेगा ना। उसके बाद अगर होम वेरिफिकेशन करने के बाद अगर लगता है सेटिस्फाइंग अगर लगेगा तो 100% तुझे मौका मिलेगा। तो अभी ऐसा सोच ही मत कि तुझे एडमिशन लेने का अभी मौका मिल जाएगा, होम वेरिफिकेशन के बाद, उसके बाद फीडबैक होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होगा, उसके बाद मैंने मतलब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टेक अवे कर रहा हूँ। मतलब ऐसा मत समझ कि तू चाहेगा और एडमिशन ले लेगा। तो भाई होम वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे मैं तेरे घर में जाऊंगा 5 मिनट के लिए जाऊंगा भाई, चाय भी नहीं पीऊंगा,
हो सके तो एक ग्लास पानी पिला देना, राइट। दरवाजा तो खुलेगा ना, या फिर दरवाजे के दरवाजा के बाहर से निकाल तो नहीं देगा ना, घर में घुसने तो देगा ना, पापा से अंकल से 5 मिनट बात तो करने देगा ना। तो जो जो कर सकता है, मैं पहले उसको बता दिया, उसके बाद क्या है वो ये करेगा ही नहीं। बोला हाँ हाँ भाई कोई टेंशन, भाई क्या बोल रहा है भाई, ये तो ऐसा क्यों करूंगा मैं, राइट। भाई तेरे घर में मैं नाश्ता खाने के लिए नहीं जाऊंगा, चाय पीने के लिए नहीं जाऊंगा, एक पानी पिला देना और 5 मिनट अंकल के साथ बात करके मैं आ जाऊंगा, एक फॉर्म फिलअप करके मैं आ जाऊंगा, ये होम वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद तुझे ऊपर से कॉल आएगा और तुझे बताया जाएगा कि तुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, मतलब लेने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब लेना पड़ेगा, उसके लिए कितना देना पड़ेगा पैसा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारा कुछ तुझे इंस्ट्रक्शन तुझे मिल जाएगा। तो उसको मैंने क्या पूरा रिलैक्स कर दिया, उसके दिमाग से मैं हटा दिया कि मैं उसको फॉलो अप करके डीडी निकालने जा रहा हूँ या फिर उसके जेब से मैं पैसा निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा ना ये बंदा आके मेरे जेब से पैसा निकालेगा, वो आपको अवॉइड करेगा। तो अपने क्या क्या अपना अपने उसका होम फीडबैक को एश्योर किया, किया क्या पता वो कल आपको घुसने ना दे, क्या पता उसका वो फोन ना उठाए, उसको बता देना भाई फोन तो उठाएगा ना, वैसे भी तेरा एड्रेस मुझे पता है, फिर भी एक बार तेरा एड्रेस बता दे, वहीं से मैंने एड्रेस ले लिया। या फिर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत सारे लोग गलत एड्रेस भी दे देते हैं, इसलिए क्या है उसका एक एड्रेस प्रूफ का एक जेरोक्स या फिर फोटोकॉपी आप अपने पास रख लो, क्या कर पा रहा हूं, ताकि उसका घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और लास्ट में सेंटिमेंटल बात करके उसको छोड़ो ताकि वो चीज ना करे, क्या कर पा रहा हूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तू घर जा, मैं आके मिल रहा हूं तुझसे। तो ये हो गया 50% कैटेगरी का जो क्लोज जो मतलब होता है 50% कैटेगरी में जो लोग पढ़ता है उसका कैसे हैंडलिंग करना है आफ्टर एसपीबी क्लोजिंग के बाद, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद और एक पार्ट आता है जो 0% बिल्कुल उल्टा फुल्टा बकता है, उल्टा फुल्टा बकता है, उल्टा फुल्टा बहस करता है, उसको मैं साइड कर दो, हाँ भाई ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ बहस नहीं करना है, क्या कर पा रहा हूं, क्योंकि हर किसी के साथ बहस करने जाओगे आपका समय खराब होगा, आपका दिन खराब होगा, आपका एनर्जी खराब होगा, आपका समय मतलब वेस्ट होगा, नहीं करना है, क्योंकि हर एक के साथ अगर आप बहस करने जाओगे ना तो आप काम कैसे करोगे, आपका नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में आ जाएगा, यस और नो। इसके ऊपर एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं, एक बार क्या हुआ था, एक जंगल में बंदर और गधे के बीच में बहुत बहुत झगड़ा हो रहा था। बंदर क्या बोल रहा था, बंदर बोल रहा था कि घास का रंग हरा है, और गधा क्या बोल रहा है, नहीं घास का रंग पीला है, राइट। तो बहुत झगड़ा हो रहा है, मतलब मारपीट होने का मतलब नौबत आ गया। तो अचानक जंगल का राजा शेर आ गया और पूछा कि भाई क्या चल रहा है, इतना झगड़ा क्यों हो रहा है, जंगल का माहौल तुम क्यों खराब कर रहे हो। बोला सर कोई बात नहीं, देखो आप मुझे बताओ, बंदर ने पूछा आप मुझे बताओ घास का रंग क्या है, क्लियर। मैंने बताया घास का रंग हरा है, और एक गधा बोल रहा है घास का रंग हरा है पीला है, क्लियर। तो आप कुछ सजेशन दो क्या करना है कि नहीं करना है, राइट। गधे को बोला कि तुम घर जाओ, और बंदर को क्या बोला कि 2 साल की सजा तुम्हें मिलेगी, तो गधे को जाने दिया। तो बंदर बहुत गुस्सा हो गया, बंदर क्या बोला कि भाई सर ये बहुत नाइंसाफी है, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो, अगर सजा देना है तो उसको दो, मैंने तो सही बात बोला कि घास का रंग हरा है पीला नहीं, आप बताओ घास का रंग क्या है। तो शेर ने बोला क्यों, घास का रंग तो हरा है। तो बोला मैंने तो वही बोला, तो आप मुझे सजा क्यों दे रहे हो, तो तुम्हारा गलती ये है, तुम्हारा दोष ये है कि तुम गधे के साथ बहस करने गए थे, क्या कर पा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं। तो कुछ भी करना गधे के साथ बहस नहीं करना है, और अपना दिन खराब नहीं करना है, क्या कर पा रहा हूं, स्वीट एंडिंग करके उसको छोड़ दो, हाँ भाई जाने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है आप खुश रहो, विशिंग ऑल द बेस्ट, आप जिंदगी में तरक्की करो, आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे हो आप वहीं पे फोकस करो, उसको कोई साबित करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साबित करने का कोशिश करते हैं, भाई साबित करने का, भाई तुम 5 मिनट बात करके कोई किसी के सामने कुछ साबित नहीं कर सकते हो, साबित करना है तो अचीवमेंट करके करो, साबित करना है तो अपना सक्सेसफुल बन के दिखाओ, सक्सेस अचीव करके दिखाओ, उसके बाद अचानक उसके पास सब कुछ साबित हो जाएगा,
क्योंकि जब सूरज उठता है तो किसी को बोलने का जरूरत नहीं होता कि सुबह हो गया, सबको पता चल जाता है कि सुबह हो गया, लगर पा रहा हूं, तो किसी को साबित करने का जरूरत नहीं है, उसको भगाओ और अपना काम जो है उसके ऊपर फोकस करो। तो देयर आर तीन कैटेगरीज, वो तीन कैटेगरी हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है दैट इज क्लोजिंग हो गया, जो 100% था उसको आपने ट्रीट किया, जो 50-50 था उसको आपने ट्रीट किया, जो 0% था उसको भी आपने ट्रीट किया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको जो करना होगा दैट इज 24 आवर्स के अंदर उसको रीफीडबैक करना पड़ेगा। देखो जो 100% था वो तो लगभग कंफर्म हो गया, और भी अभी यहाँ पे मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सपोज मान लो 15,000 वो आईटी स्मार्ट लेके एडमिशन लेने वाला है और 5,000 वो मतलब पार्ट पेमेंट दिया है, बाकी कितना है 10,000। हम लोग नाचते हैं कि 5,000 आ गया, 5,000 आ गया, हम लोग सपना सजाने लगते हैं कि मेरा चेकी शो हो जाएगा, मेरा पीबीपीएल क्वालिफाई हो जाएगा, मेरा एसपीएल क्वालिफाई हो जाएगा, पर पैसा पूरा हाथ में आया नहीं। जब तक पूरा पैसा हाथ में नहीं आएगा तब तक आप उसको छोड़ना मत, राइट, उसको छोड़ना मत। अभी क्या करना है, मैं अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि जो पार्ट पेमेंट दे दिया ना वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो आईसीयू में चला गया, इंटेंसिव केयर यूनिट। जो जब कोई पेशेंट आईसीयू में रहता है, जब कोई पेशेंट आईसीयू में रहता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, हर एक घंटे में उसके पास जाकर उसको चेक करते हैं, 24/7 नर्स उसके बाजू में खड़ी रहती है, यस और नो। तो पार्ट पेमेंट दे दिया मतलब खतरनाक, जरा संभाल के। आपको अभी क्या करना है, हर एक घंटे में नहीं, हर 2-3 घंटे में उसके साथ कम्युनिकेशन करना होगा। अभी क्या कम्युनिकेशन करना करोगे आप, पैसा कब दे रहा है, पैसा कब दे रहा है, पैसा कब दे रहा है, नहीं। आपको यही बोलना है, चलो ठीक है सब कुछ रिसीव कर लिया, अपने पैसा पार्टमेंट रिसीव कर लिया, फॉर्म वॉर्म जितना भी फॉर्मेलिटीज है वो आप कर लिए, उसको घर भेज दिया, ठीक है चल कोई बात नहीं, शाम को मैं अगर तेरे घर के बाजू से अगर उस इलाके में अगर मैं जाऊंगा तेरे से मैं एक बार मिलूंगा। कोशिश करना शाम के टाइम में एक बार उसके साथ मुलाकात करने का कोशिश करना, क्योंकि आप उसके सामने रहोगे, आप उसके साथ टच में रहोगे ना, तो उसको मतलब ये समझ में आएगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे लेना है। और क्या होता है कि वो आपने तो पॉजिटिव फीडबैक करके उसको उसको अपने घर भेज दिया, और बाहर घर जाने के बाद बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक भी खाएगा, क्योंकि जब पैसा खर्च होता है ना तो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत सारे लोगों से वो सजेशन लेने के लिए जाते हैं, क्या कर पा रहा हूं, जब जेब से पैसा जाता है तो क्या कर पा रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों का मतलब राय लेने जाते हैं, रिव्यूज मांगने जाते हैं, और तभी अल्टीमेट प्रॉब्लम होता है, तभी घोटाला होता है, क्या कर पा रहा हूं मैं। तो अगर हो सके तो उसके साथ थोड़ा मिल, थोड़ा सा एक बार मुलाकात कर लेना। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि एक प्रोस्पेक्ट ने क्या किया, 5,000 का अपार्टमेंट उठाया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। हाँ दादा उसने तो बोला फ्राइडे को कंफर्म पैसा दे देगा, बस मंडे को 5,000 दिया, फ्राइडे को पैसा देगा, सैटरडे को पैसा देगा, बाकी 10,000 आप आराम से सो रहे हो, अरे मेरा तो गिटी कंफर्म हो गया। अब सीनियर को बोला, अरे उसका टेंशन मत लो दादा, वो मैं देख लूंगा, 10,000 तो बाकी है, मैं, उसने बोला ना कि सैटरडे को पैसा दे देगा बैंक से उठा के, आप निश्चिंत होके सो रहे हो। माई डियर फ्रेंड, ये जो केसेस है इस केसेस में आपको ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि बीच में 5 दिन का गैप है भाई, 5 दिन तो क्या, 5 मिनट में कुछ हो सकता है, 5 मिनट में भी कुछ भी हो सकता है। अचानक कोई जीजाजी आ गया घर, कहां पे एडमिशन लिया, एपीएलएल, अरे बाप रे, स्मार्ट वैल्यू, अरे बाप रे, क्या कर पा रहा हूं। यहां पे एक चीज मुझे याद आया, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। क्या बात है कि आज बहुत सारे लोग परेशान है, क्यों, सोशल मीडिया को लेके। 5,000 पार्ट पेमेंट दे दिया, 8,000 पार्ट पेमेंट दे दिया, 10,000 पार्ट पेमेंट दे दिया, अचानक YouTube में स्मार्ट वैल्यू का कोई नेगेटिव वीडियो देख लिया, बस सत्यानाश। या फिर उसने नहीं देखा, उसका जीजा जी, अरे स्मार्ट वैल्यू, अरे कल ही तो उसका एक नेगेटिव वीडियो देख रहा था, कहां पे हल्ला हो रहा था, कहां पे कोई पैसा मांग रहा था, कोई मीडिया इश्यू हो गया था, मत ले भाई मत ले, अचानक वो वीडियो देख लिया, और आप तो सो रहे हो, सैटरडे को पैसा देगा, आप तो मजे से नींद ले रहे हो, सैटरडे को पैसा देगा, आपका चेक इशू होगा, पर अंदर अंदर क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको करना क्या है, टच में रहना है 2 घंटे के बाद। भाई तेरा पैन कार्ड है ना, अच्छा ठीक है, एक पैन कार्ड का फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर दो रात को सोने से पहले। भाई तेरा पिताजी का ग्रॉस इनकम कितना है, सालाना इनकम कितना है, टच दिया। सुबह को उठ के, भाई तेरा आधार कार्ड है ना, कोई ना कोई एक बहाना,
एक बहाना ढूंढ के दो घंटा तीन घंटा चार घंटे में एक एक बार उसके टच में रहो, तो पता चलेगा क्या चल रहा है। क्योंकि जो काम करना था जीजाजी कर लिया आज में, मतलब आके, क्योंकि ये जीजाजी लोग ये अंकल लोग बहुत खतरनाक होता है। जब उसको टेज में 35% मार्क्स मिला था तब नहीं आया था वो, जब उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था तब वो नहीं आया था, जब घर में उसका पापा बीमार था तब नहीं आया था। जीजाजी का सजेशन अगर उतना ही बेहतरीन है, जीजाजी अगर उतना ही पंडित है, जीजाजी अगर उतना ही ज्ञानी है, तो तुझे 40% मार्क्स क्यों मिला टेंथ में? जीजाजी का ज्ञान लेके तुझे 90% क्यों नहीं मिला? जीजाजी का ज्ञान अगर उतना ही ज्यादा है, भैया का ज्ञान, अंकल का ज्ञान अगर उतना ही ज्यादा है, तो तुझे कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा था? आज जब कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है, तब जीजाजी का ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, तब जीजाजी का ज्ञान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसा होता है दोस्तों। तो मैं जो चीज बोल रहा था कि काफी सारे लोगों का ये कॉमन प्रॉब्लम है कि दादा 8,000 रुपए दे दिया था, वीडियो देख के नेगेटिव हो गया, सोशल मीडिया में कोई फेसबुक में व्हाट्सएप में या फिर यूट्यूब में कोई घटना देख के या कोई वीडियो देख के मेरा केस नेगेटिव हो गया, उसको क्या बोलना है कि देख भाई जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। क्योंकि बदनाम होने के लिए पहले नाम कमाने का जरूरत होता है। बदनाम वही लोग है जिसका नाम है मार्केट में, जिसका मार्केट में नाम नहीं वो बदनाम नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, तू यूट्यूब में या फिर फेसबुक में तू एक चीज का तू मतलब वीडियो देखा और उसको उस वीडियो को देखने के बाद तू ऐसा एक तेरे अंदर एक फ्रीक्वेंसी आइडिया आ गई, ये खराब है। रिव्यू देख के एक बात बता, सोशल मीडिया में एक चीज दिखा जिसका नेगेटिव रिव्यूज नहीं है, हो सकता है कम है पर है। नेगेटिव रिव्यूज हर चीज का है, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका नेगेटिव रिव्यूज नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको सब लोग खराब बोलते हैं, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको सब लोग अच्छा बोलते हैं। तेरा जो स्कूल सब लोग अच्छा बोलता है, तेरा जो कॉलेज सब लोग अच्छा बोलता है, तू जो फोन इस्तेमाल कर रहा है सब लोग अच्छा बोलता है, तू जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है सब लोग अच्छा बोलता है, नहीं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो जिसको सब लोग अच्छा बोलता है। तो स्मार्ट वैल्यू में एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी बात आते हैं यूट्यूब में, अभी तूने क्या देखा? स्मार्ट वैल्यू फ्रॉड, ऐसा तुझे 5 वीडियो मिला। अच्छा तू बता, इंडिया का एक बड़ा कंपनी का नाम बता, टेलीकम्युनिकेशन, एक एक सेक्टर वाइज बोल रहा हूं, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कंपनी का नाम बता, वो क्या बोलेगा? जियो। अभी तू खुद यूट्यूब निकाल और वहां पे सर्च में डाल जियो कंपनी फ्रॉड, लिख सर्च मार, देखेगा 20 वीडियो निकलेगा। इसका मतलब क्या है? जियो का सिम निकाल के फेंक देगा तू? नहीं ना। अच्छा गाड़ी में, इंडिया में जितना गाड़ी है उसमें एक सबसे बड़ा कंपनी का नाम बता, मारुति सुजुकी, बहुत बड़ा इंडियन कंपनी है, बहुत ज्यादा गाड़ी बिकता है। अच्छा तू यूट्यूब में भी डाल मारुति सुजुकी फ्रॉड, सर्च कर, 50 वीडियो मिलेगा, कोई ना कोई वीडियो बना है, कोई ना कोई कस्टमर कोई ना कोई वीडियो बना है जो मारुति सुजुकी के अगेंस्ट में नेगेटिव रिव्यू दे रहा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? तू जो ओला चढ़ता है उबार चढ़ता है तो मारुति सुजुकी का है ना, तेरा अंकल का जो गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, क्या करेगा? फेंक देगा उसको या पेट्रोल डाल के जला देगा उसको या कोई खरीदेगा नहीं इस वीडियो की वजह से, या सेल घट जाएगा, है ना? वीडियो मारुति सुजुकी का नेगेटिव वीडियो है या नहीं है? अच्छा इंडिया में एक ऐसा बैंक का नाम बता जो सबसे बड़ा बैंक है, बोला SBI, चल SBI बैंक फ्रॉड केस, चल यूट्यूब में मार, 100 केसेस मिलेगा, 100 केसेस मिलेगा, 100 ऐसा लोग कस्टमर जो SBI के खिलाफ बहुत बहुत खराब बात किया या फिर बहुत पब्लिक इशू हो गया, बहुत मीडिया इशू हो गया। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? इसका मतलब क्या है? कल तू SBI बैंक का जितना जो खाता है बंद कराएगा? नहीं ना, क्यों बंद कराएगा? एक बात सुन मेरे भाई, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन खराब होता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं, कुछ पर्टिकुलर लोगों के वजह से। ये जो तू देख रहा है कि SBI का फ्रॉड केसेस, ये फ्रॉड केस जो है SBI ने नहीं किया, कुछ डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय ने किया होगा, कुछ डिसऑनेस्ट कस्टमर ने किया होगा, और नाम खराब किसका हुआ? नाम खराब हुआ SBI का। जियो
जियो कंपनी के जो पॉलिसी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जियो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लोगों का पैसा लेते हैं और गलत तरीके से बिजनेस करते हैं, और नाम खराब किसका होता है, ब्रांड का। मारुति सुजुकी सालों से चल रहा है इंडिया में, खराब नहीं है भाई, मारुति सुजुकी खराब नहीं है, उसका मालिक का जो पॉलिसी है वो भी खराब नहीं है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुछ जो शोरूम का ओनर्स, कोई बिजनेसमैन शायद कोई कस्टमर के साथ कुछ गलत काम किया था, कुछ मिस कमिटमेंट किया था, इसलिए पब्लिक ग्रीवेंस इतना ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि सुजुकी खराब हो गया, राइट? आज यूट्यूब में जो भी चाहेगा मनपसंद सब कुछ मिल जाएगा। सचिन तेंदुलकर खराब इंसान है, इसको तो यूट्यूब में डाल, 3 वीडियो मिल जाएगा। अभी सचिन तेंदुलकर तेरा क्या बिगाड़ा, वो खराब इंसान कैसे बना, तो क्रिकेट का बादशाह है। तो यूट्यूब में हर चीज का नेगेटिव रिव्यूज है, नेगेटिव रिव्यूज है, गूगल में हर चीज का नेगेटिव रिव्यूज है, और तू अगर स्मार्ट वैल्यू का मुझे 5 ऐसा नेगेटिव वीडियो दिखाएगा, मैं तुझे 5000 ऐसा पॉजिटिव वीडियो दिखा सकता हूं। स्मार्ट वैल्यू में क्या हुआ कि कुछ लोग, जैसे कि मैं तेरे पास आया 15000 के लिए, आईटी स्मार्ट के लिए मैं तुझे एडमिशन के लिए मैं तुझे बोला, कुछ लोग ऐसे भी है जो क्या बोलता है, आईटी स्मार्ट का दाम है 25000 और 10000 खा लेते हैं, और ऐसे अगर चलता रहेगा तो एक दिन तो साथ सामना आएगा, तब 100 लोग अगर ऐसे ही 10000, 100 लोगों से मैं अगर 10000 लेके मार खाता रहूंगा, तो 100 लोगों को जब पता चलेगा वो मेरे पीछे आके भागेगा, और मैं अगर भाग जाऊंगा तो कहां पे आएगा, मेरे सेंटर में आएगा, मेरा स्मार्ट वैल्यू का ऑफिस में आएगा, हल्ला करेगा, और हल्ला जब करेगा तो मीडिया भी आएगा, और मीडिया जब आएगा फेसबुक में आएगा, फेसबुक में जब आएगा यूट्यूब में आएगा, और लोगों को क्या लगेगा कि स्मार्ट वैल्यू खराब है, एपीएलएल खराब है। खराब एपीएलएल स्मार्ट वैल्यू नहीं है, खराब हूं मैं, क्योंकि मैं 10000 रुपए एक्स्ट्रा उठाता था, मैं लोगों के साथ चीटिंग करता था, मेरा नाम सामने नहीं आएगा क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं है, नाम तो स्मार्ट वैल्यू का है, इसलिए नाम बदनाम भी स्मार्ट वैल्यू का ही होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यूट्यूब का एक वीडियो देख के कोई भी चीज को भाई जज मत करना भाई, क्योंकि मैंने भी देखा था, मैं आज भी देखता हूं और जिंदगी भर देखता रहूंगा, खराब चीज भी है अच्छा चीज भी है, खराब रिव्यूज भी है अच्छा रिव्यूज भी है, क्लियर कर पा रहा हूं मैं? तो ये बहुत सारे लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम था कि सोशल मीडिया को लेकर परेशान है, am I right or wrong? थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, ये प्रॉब्लम था कि नहीं था, ये प्रॉब्लम था कि नहीं था? हाँ डेफिनेटली था, yes, yes. Right? ये प्रॉब्लम था, और था मतलब है, अगर ऐसा होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, मैंने आपको उसका थोड़ा बहुत कुछ तरीका मैंने आपको बता दिया, जो मैं अपने हिसाब से मैं ऐसे ही करता हूं, मेरे सामने अगर कोई आता है तो मैं ऐसे ही करता हूं, क्लियर कर पा रहा हूं मैं? तो वही बात है, तो मैं जो बोल रहा था कि 5000 का 8000 का अपार्टमेंट देके आप सो गए, बीच में जीजा जी आया, अंकल आया, मौसी आया, मौसा आया, क्या खेल दिखा आपको पता नहीं, इसलिए क्या है, सावधान रहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, सावधान रहिए, 5000 का 8000 का अपार्टमेंट उठा के नाचिए मत, सावधान रहिए, जब तक पूरा पैसा हाथ में ना आए उसके पीछे आप लगे रहो, क्योंकि वो पेशेंट जो है आईसीयू में चला गया अभी, राइट? उसके साथ जाके आपको बात करना है, मतलब टच में रखना है जब तक उसका पैसा हाथ में ना आए, ओके? तो ये हो गया। अभी क्या है, मैं जो बोल रहा था कि जो 50-50 जगह पे उसका होम वेरिफिकेशन कैसे कर रहा है, होम वेरिफिकेशन मतलब मैंने आपने उसको बता दिया कि भाई हम लोगों का एक फॉर्मेलिटी है, ये घर में जाके हम लोगों को वेरीफाई करना पड़ता है और कुछ नहीं, राइट? अभी क्या है, आप किसी के घर जा रहे हो, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, आप किसी के घर जा रहे हो, घर जाने से पहले आपको करना क्या है, घर जाने से पहले आपको अलग से, बहुत अच्छा होगा अगर अलग से आप उसको बुलाओगे और आधा घंटा 15 मिनट उसको फॉलो अप करोगे, क्योंकि उसको पहले रेडी करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके पिताजी को जबरदस्त फॉलो अप किया, पिताजी राजी है, और पिताजी क्या पूछता है लास्ट में, बेटे के तरफ देखता है, क्या बोलता है, बोल मैं पैसा तो दे दूंगा, तू करेगा क्या,
अगर पिताजी के सामने वो ठीक ठाक रिस्पॉन्स नहीं किया ना तो पिताजी पैसा नहीं देगा, या फिर आप पिताजी को जबरदस्त फॉलो अप करके आ गए और डीडी कंफर्म हो गया, आप आ गए, उसके बाद जो जिसको करना है, जो लड़का या लड़की जिसको करना है वो बैकगियर मार रहा है, वो क्या बोल रहा है, नहीं पापा अभी मुझे नहीं करना है, मतलब वो रेडी, उसको मैंने रेडी नहीं किया और उसके पिताजी को मैंने फॉलो अप किया, नहीं होगा। तो बहुत अच्छा है उसको क्या आधा घंटा, मतलब उसके घर में आप जा रहे हो कोई भी जगह पे, आप रुक जाओ, रुक के आप उसको फोन करो, भाई यहाँ पे मैं फंस गया हूं, तेरा घर जो है वो कोई बता नहीं पा रहा है, कोई गलत एड्रेस दे दिया क्या? बोला नहीं भाई गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया, एक काम करना तू इस जगह पे तो आ जाना भाई, मैं तेरे साथ ही चलूंगा तेरे घर, उसको बुला लो, कोई भी बहाना लेके उसको बुला लो, राइट, उसके घर में घुसने के पहले, घुसने से पहले आप उसको बुला लो, बाहर बुला लो, कोई भी जगह पे बुला लो, और बुला के आप उसको फॉलो अप स्टार्ट करो, फिर से वही चीज, सेम चीज, क्लियर। घर पे बात हुआ कि नहीं हुआ जान लो थोड़ा, घर का माहौल कैसा है अभी, राइट, घर पे बात हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तेरा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, पहले बात करने से आपको पता चल जाएगा कि रियली उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर वो सचमुच करना चाहता है कि नहीं चाहता है वो आपको पता लग जाएगा, जब भी पता लग जाएगा आप उसको फॉलो अप करो। क्या फॉलो अप करना है मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो भाई मोटिवेट तो होता है इनकम देख के, मोटिवेट तो होता है इनकम देख के, नहीं तो पढ़ाई में दिलचस्पी लगभग किसी का नहीं होता है। आपने प्रेजेंटेशन में एडुकेशन 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 हेल्थ वेल्थ बहुत कुछ बोला, अभी उसको क्या करना है, लालच दिखाना है, अभी उसको लाल पेन लिए दिखाना है, लालच दिखाना है, उसके लिए क्या करना है, उसको 14 साल का प्रोजेक्शन दिखाओ, 14 साल का प्रोजेक्शन दिखाओ, 14 साल में 1,28,00,000 इनकम होता है, अगर 14 साल में 28 लाख खत्म भी हो जाता है, अगर खर्चा भी हो जाता है, फिर भी 14 साल में तू करोड़पति बनेगा स्मार्ट वैल्यू से, दिखा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। स्पील ओवर दिखाओ, अगर जरूरत पड़ा तो स्पील ओवर दिखाओ, क्लियर, कि अगर मैं 2 को रिकमेंड नहीं भी कर पाऊंगा, 1 जन को रिकमेंड करने से भी चलेगा, स्पील ओवर दिखाओ, दिमाग खुलेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा उसका, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ मर्चेंडाइज प्रॉफिट दिखाओ, कि एक प्रोडक्ट से कितना इनकम होता है, एक आंवला जो कॉम्बो है उससे करीबन 2400 से 2500 रुपए इनकम होता है विदाउट माइल्स, लगा पा रहा हूं, ये मर्चेंडाइज प्रॉफिट दिखाओ, एसपीएल दिखाओ, कि बोलो उसको ये बात बोलो कि स्मार्ट वैल्यू साल में 52 वीक्स पेमेंट देता है, साल में 2 बार एसपीएल देता है, साल में 2 बार बोनस देता है, पीआई देता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, एक एनुअल एक हाफयली, अब उसको ये दिखाओ, अब उसको ये बोलो, ये सारा कुछ दिखाओ, नेशनल ट्रिप का फोटोज, फॉरेन ट्रिप का फोटोज, रिकॉग्निशन का वीडियोस, ये सारा कुछ दिखाओ, उसको गरम करो, जितना हो सके उसको गरम करो, और लास्ट में उसको क्या बोलना, देख भाई तेरे घर में जा रहा हूं, तब वो क्या बोलेगा, उससे पहले क्या बोलेगा, भाई सब कुछ ठीक है पापा को समझा दे, तब मन मन में आप यही बोलना, बेटा मैं यही तो सुनने के लिए आया हूं, मैं तो यही सुनना चाहता हूं तेरे मुंह से कि मैं ठीक हूं, तू तेरा पापा को समझा दे, तब उसको क्या बोलना है, देख भाई पापा किसका है, तेरा है, मैं जाऊंगा इंफॉर्मेशन दूंगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये क्यों करना है, करने से क्या मिलेगा, नहीं करने से क्या नहीं मिलेगा, ये चीज मैं समझा सकता हूं तेरे पापा को, पर बाकी जो काम है दैट इज पापा से पैसा मांगना, पैसा निकालना, ये किसका काम है, मेरा काम है, मैं अपने पापा की जेब से मैंने ऐसे पैसे निकाला था, तुझे भी सेम काम को करना पड़ेगा, हाँ मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, मैं समझा दूंगा, पर बाकी काम किसका है, पहले तू ये बोल तू ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तब जाके तेरे घर में जाऊंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे पापा को बहुत समझाया, उसके बाद तू कोऑपरेट नहीं किया, तू रिस्पॉन्स नहीं किया, तूने कुछ बोला ही नहीं, बात ही नहीं किया, तो नहीं होगा, तू एक बात बोल, मैं पापा को पूरा समझाने का कोशिश करूंगा, तू जिद, तुझे जो करना है जिद करना है, कि पापा मुझे करने दो, पापा मुझे करने दो, पापा मुझे करने दो, कब पापा मुझे पैसा दो, ये बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, पहले ये बता, तभी मैं तेरे घर में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, अभी बंदा तो गरम है, तब बंदा गरम है, बोले हाँ भाई तू चल ना, सिर्फ मैं बोलूंगा, मैं जरूर बोलूंगा, क्या कर पा रहा हूं भाई, याद रखना बचपन में पापा से खिलौना मांगने के लिए रोया था कि नहीं रोया था, जिद किया था कि नहीं किया था, बोलेगा हाँ, और एक बार वो जिद चाहिए, मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं वो जिद, मैं फिर से देखना चाहता हूं, खिलौना मांगने के लिए जिद किया था, साइकिल के लिए जिद किया था, जूता के लिए जिद किया था, कपड़े के लिए जिद किया था,
घुमाने ले जाने के लिए जिद किया था, आज करियर के लिए जिद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बोल? तेरा सपने के लिए करियर, सपना पूरा करने के लिए, एक अच्छा फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तू जिद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पहले ये बात बोल। बोलेगा हाँ भाई, देख भाई बाप तेरा है, अगर बोलेगा तो ही पैसा देगा, तू बोलेगा तो ही पैसा देगा, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा रोल बहुत छोटा है। राइट, हो गया रेडी? आप उसको पूरा रेडी करके, पूरा माइंडसेट करके, एकदम अभी घुसा आपने उसको लेके, पिताजी को जाके एक प्रणाम कर दिया, राइट, और अपना परिचय दे दिया, परिचय देके आपने पिताजी को शॉर्ट एसटीपी कर दिया। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया, लैपटॉप में पीपीटी दिखा दो आप, बहुत आसान है, एपीएल का पीपीटी वगैरह दिखा दो, क्या क्या है क्या नहीं है, टोटल चीज वगैरह जो दिखा दो, राइट। हो सकता है तो आप अपने अपना आईडी कार्ड जो है वो भी दिखा सकते हो, दिखा के क्या होगा? अभी क्या है, मैं देखता हूँ होम फॉलोअप में कुछ लोग बहुत बढ़िया बात करते हैं, पापा के मतलब गार्जियन के सामने बहुत अच्छा बात करते हैं, उसके बाद गार्जियन क्या बोलता है, जब सवाल पूछता है उस सवाल को आंसर नहीं देता है और आ जाते हैं। क्या क्या सवाल पूछते हैं? बेटा ये करके होगा क्या, ये करके फायदा क्या है, ये क्यों करना चाहिए? बेटा पैसा अभी नहीं है, बेटा बाद में करेंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं उसको बाद में कराऊंगा, बेटा इसका मामा है दिल्ली में, इसको पूछ के मैं बोलता हूँ, यही सब सवाल होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सवाल को सुन के थोड़ा बहुत जवाब देकर हम लोग वापस आ जाते हैं। और सीनियर को क्या बोला, आज मैं 5 होम फॉलोअप किया, भाई ये फॉलोअप हुआ ही नहीं, आपने जब बात स्टार्ट किया उसके उसको क्या आपने किया, क्या आपने कोई फॉलोअप किया ही नहीं, आप जाके उसके पिताजी के सामने जाके क्या किया, सिर्फ एक छोटा सा एसटीपी किया, शॉर्ट एसटीपी, एसटीपी करके अब आ गए। फॉलोअप स्टार्ट कब होगा, जब वो ऑब्जेक्शन देगा, अभी पैसा नहीं है, पूछ के बताता हूं, सोच के बताता हूं, मामा का जो लड़का है उसको पूछ के मैं बताता हूं, बाद में कराएंगे बेटे को, अभी नहीं करवाएंगे बेटी को। जब ये चीज बोलता है तब फॉलोअप अभी शुरू हुआ, इससे पहले फॉलोअप नहीं था, वो एसटीपी था। आपका काम वहां पे एसटीपी सुना के घर आना नहीं, आपका काम है उसका ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करके, उसकी जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल के डीडी कंफर्म करके लाना, यही किसके लिए आप गए थे, है कि नहीं? तो जेब में तो हाथ मारना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके आगे आपको फॉलोअप करना होगा, उसका जो ऑब्जेक्शन है उस ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा। ये करके क्या फायदा है, ये करके क्या फायदा, आप जरूर उसको बता सकते हो, क्योंकि देखो अंकल आज डिजिटल इंडिया बन चुका है, आज इंडिया में 70% लोगों के पास मेल आईडी है, आज इंडिया में 66% लोगों के पास हाथ में स्मार्टफोन आ चुका है, आज इंडिया में 70-80% लोग सोशली कनेक्टेड है, इस जगह से माहौल बदल चुका है, मार्केट बदल चुका है, इस जगह से अगर सिर्फ हिस्ट्री ऑनर्स अकाउंट ऑनर्स लेकर कोई पढ़ाई करेगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है। उस दिन ही सुरजीत दा पीबी ग्रुप में एक मतलब ये भेजा, मैं देख के मतलब मुझे मैं हैरान हो गया कि सिविल इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट, सिविल इंजीनियर के लिए 5-6,000 ऑफर कर रहा है, और जो पराठा बनाता है रेस्टोरेंट में उसके लिए 18-20,000। अब इसको ये दिखाओ, देखो अंकल ये है कंडीशन, ये है सिचुएशन, तो आपको करना क्या है, नौकरी नहीं है ऐसी बात नहीं है, नौकरी लाखों है, आप naukri.com खोल के दिखा दो कि वेब डिजाइन में कितना जॉब्स है, स्मार्ट कॉमर्स के ऊपर कितना जॉब्स है, लाखों का जॉब्स है, पर उस जॉब के लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा, उसके लिए क्या खोलना पड़ेगा, आपको डिजिटली इक्विप्ड होना बहुत ही जरूरी है, आपको डिजिटली लिटरेट होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों का मिशन यह है कि स्किल इंडिया मिशन, आपका बेटे को हम लोग तैयार करेंगे, हम लोग तैयार करेंगे कि जो जो चीज आप कितना भी पढ़ाई करके आओ, अगर अपडेटेड पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगा, आपको करियर नहीं मिलेगा। आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रिपेयरिंग का काम सीख के बैठे हो, आपको आपके पास कोई आएगा, कोई आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई देखता नहीं है, ऑब्सोलेट हो चुका है, घर घर में कलर टीवी, एलसीडी, एचडी, कार 4K टेक्नोलॉजी आ चुका है। आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर पीएचडी करके बैठे हो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपका जो टेक्नोलॉजी है वो चलता नहीं है, आपका जो पढ़ाई है वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको जो करना होगा दैट इज अपडेटेड एजुकेशन लेना पड़ेगा, और डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर लाखों करोड़ों का मार्केट है। लॉकडाउन में अंकल आपको समझ में आया होगा कि हर चीज घर बैठे मिल गया मिला के नहीं मिला, हर चीज मिल जाएगा, हर चीज आपको घर से निकलने का जरूरत भी नहीं है,
आपको बाल कटवाना है घर में आ जाएगा आप स्मार्टफोन से, हाँ बुक कर दो। आपको आपके घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए आदमी चाहिए, आपको भी स्मार्टफोन से मिल जाएगा, उसके लिए भी ऐप है। आपको खाना पकाने के लिए आदमी चाहिए, उसके लिए भी ऐप है। बाल कटवाने लोग चाहिए, उसके लिए भी ऐप है। आपको सब्जी चाहिए, उसके लिए भी ऐप है। आपको मटन चाहिए, फिश चाहिए, उसके लिए भी ऐप है। तो ये आपको समझ में आया होगा, क्या कर पा रहा हूं? तो आज डिजिटल मार्केटिंग का ना सामान ना दुकान ना दुकानदार, यही होता है डिजिटल मार्केटिंग, फिर भी करोड़ों का बिजनेस। ई कॉमर्स एम कॉमर्स इसी के ऊपर पढ़ाया जा रहा है और इसी के ऊपर अंकल जॉब है। हिस्ट्री लेके पढ़ाई कर रहा, मैं हिस्ट्री को छोटा नहीं कर रहा हूं, पर आपको यह मानना पड़ेगा हिस्ट्री के ऊपर जॉब नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जॉब नहीं है, हिंदी के ऊपर इंग्लिश के ऊपर जॉब नहीं है। जॉब है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जॉब है वेब डिजाइनिंग के ऊपर, जॉब है ई कॉमर्स एम कॉमर्स के ऊपर। क्लियर कर पा रहा हो? तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको ये तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या करोगे आप? ज्यादा कुछ समझाने का जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्निकल चीज पापा नहीं समझेगा। आप एकदम घुस के समझा रहे हो ई कॉमर्स में क्या सिखाएगा उसका सिलेबस, एम कॉमर्स ऐसा मत सिखाओ, ऐसा मत बोलो, सिंपल बात बोलो, सिंपल बात, राइट, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल आप सिंपल बात बोलो, हो जाएगा काम। क्या कर पा रहा हूं? मामा से पूछ के बताता हूं, जीजाजी से पूछ के बताता हूं, राइट। देखिए कैरियर तो, कैरियर तो इसका है, आपका बेटे का है कैरियर, डिसीशन उसी को लेना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट भी उसी ने देखा था, देखा है कि नहीं? तो आपके जो जीजाजी है या फिर मामा का लड़का जो है, जो भी है, वो बहुत दूर बैठा है और उसके साथ हम लोगों का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ। इस जगह पे आप एक बात आप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर मतलब वो एक, मतलब एक पॉइंट पे वो अड़े हैं कि नहीं किसी से पूछ के ही मैं करूंगा, तो आप क्या बोलोगे? आप किसी से पूछोगे, आप उनसे पूछोगे, आप क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आप एक काम करो, उसका बात हमसे करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उनसे उसका फोन नंबर ले लो और आप ही डायरेक्ट उससे बात कर लो, और अभी तो जूम में बहुत कुछ हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, आप प्रेजेंटेशन कर दो। अगर ऐसा केस है कि वो नहीं, एक ही बात के ऊपर अटके हुए हैं कि नहीं उससे पूछ के बताऊंगा, उससे पूछ के बताऊंगा, क्लियर कर पा रहा हूं मैं, ये आप कर सकते हो, राइट। अभी पैसा नहीं है, देखो भाई पैसे का प्रॉब्लम जो है वो पैसे का प्रॉब्लम पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। तो मैं जब मुझे अभी कोई, अगर कोई बोलता कि मेरे पास पैसा नहीं है तो लॉकडाउन, अगर कोई बोलता है लॉकडाउन का अगर एक्सक्यूजेस देता है कि लॉकडाउन है, पिताजी का रोजगार नहीं है, तो बात एक भी आप बोलता हूं कि पिताजी कितने दिन से नौकरी कर रहे हैं, 20 से 30 साल, 20 से 30 साल नौकरी करने के बाद भी अचानक लॉकडाउन आ गया, 2 महीना इनकम बंद हो गया, हालत खराब हो गया, राइट। आपको लग रहा है कि आप सही जगह पे हो, क्योंकि आज कोरोना आया, कल दूसरा कुछ आएगा, परसों तीसरा कुछ आएगा, ऐसा चलता ही रहेगा। या फिर आपका पिताजी का तबियत खराब हो सकता है, उसका नौकरी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनकम तो कभी भी बंद हो सकता है, तब आप क्या करोगे? तो 20 से 30 साल काम करने के बाद, रोजगार करने के बाद भी पिताजी के पास 15,000 नहीं है खर्चा करने के लिए, एक बच्चे को एडुकेशन देने के लिए 15,000 नहीं है, क्या आप सही जगह पे हो? इसी के वजह से तो आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास 15,000 नहीं है। अगर आप 15,000 को प्रॉब्लम के नजरिए से देखोगे तो एडमिशन नहीं ले पाओगे। आप मुझे बोलो 15,000 आपके लिए प्रॉब्लम है या सोल्यूशन है, 15,000 आपके लिए प्रॉब्लम है या सोल्यूशन है? 15,000 मेरे दोस्त आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए बल्कि सोल्यूशन है। आज से 12 साल पहले मैं 15,000 देके एडमिशन लिया था, कुछ ना कुछ कोर्स की अमाउंट मैं पे करके यहाँ पे आया था, क्योंकि मैं देखा था अगर मैं ये पैसा खर्चा करूंगा मेरे जिंदगी में जितने सारे प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स चला जाएगा परमानेंटली। मेरे जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ये है कि मेरा फैमिली में अच्छा खासा रोजगार नहीं है। मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं, मेरा बहुत सारे सपना है, एक बाइक, एक कार, एक अच्छा गाड़ी, एक अच्छा घर, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि अच्छा महंगा कपड़ा मुझे पहनना है, लाइफस्टाइल मुझे बेटर करना है, अच्छा फोन लेना है, अच्छा लैपटॉप लेना है, अच्छा पहनना है, अच्छा चश्मा पहनना है,
पर मेरे पास नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। मेरा जिंदगी में प्रॉब्लम यही है कि अचानक मेरे घर घर पे अगर कोई बीमार हो जाएगा, अगर 2-3 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरा जिंदगी में प्रॉब्लम यही है कि पिताजी जो कमाते हैं वो महीने का 20 और 25 तारीख के अंदर खत्म हो जाता है। पर अगर मैं यहाँ पे इस खर्चे को, इस पैसे को अगर खर्चा करूंगा और यहाँ पे एडमिशन लूंगा, तो जितने सारे मेरा प्रॉब्लम्स है, पैसा ना होने का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पैसा आएगा। सपना ना पूरा ना करने का जो अफसोस, जो फ्रस्ट्रेशन, वो दूर होगा क्योंकि सपना पूरा होगा। संभावना है, संभावना तो जरूर है। मैं सिस्टम में क्यों आया था, क्योंकि मैं देखा था कि मेरे जिंदगी में कोई सिक्योरिटी बोल के कुछ है नहीं। अगर मैं 15,000 खर्चा करूंगा तो मेरे जिंदगी में एक सिक्योरिटी आएगा। अगर मैं 15,000 खर्चा करूंगा तो मैं अपना लाइफस्टाइल को बेटर कर सकता हूं, मैं अपने घर वाले को, मैं अपने फैमिली को, मैं अपने परिवार को अच्छा रेस्टोरेंट में ले जाके मैं खाना खिला सकता हूं, मैं दुर्गा पूजा दिवाली में जो मन चाहे मैं जिसको हर किसी को वो चीज मैं दे सकता हूं, मैं गिफ्ट कर सकता हूं। तो 15,000 हर प्रॉब्लम का सलूशन है, ये सुनो। तो आप मुझे बताओ, आप बोल रहे हो कि पैसे का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, आप मुझे बताओ 15,000 आपके लिए प्रॉब्लम है या जिंदगी में हर प्रॉब्लम का सलूशन है? हाँ, जो दरवाजा आपके लिए जिंदगी में बंद है, आपके जिंदगी में जो जो दरवाजा बंद है, वो बंद दरवाजे को खोलने का एक चाबी है 15,000। पहले ये मुझे बताओ मैं क्या सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तो हर प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन है 15,000। क्या कर पा रहा हूं? एक 15,000 एक इंसान का जिंदगी बदल सकता है, एक 15,000। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 15,000 नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप 15,000 को प्रॉब्लम मान रहे हो। 15,000 प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, 15,000 तो सलूशन है। क्या कर पा रहा हूं? हाँ, पर ये 15,000 जब आप खर्चा करोगे, जब आप जुगाड़ करोगे, तब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, तब थोड़ा बहुत तकलीफ होगा। तकलीफ तो हो गई, भगवान मुफ्त में कुछ नहीं देता है। हम लोग जब इंजेक्शन लेते हैं, खराब लगता है या अच्छा लगता है? खराब लगता है क्योंकि दर्द होता है। चुपचाप उस दर्द को हम लोग सह लेते हैं और इंजेक्शन हम लोग लेते हैं, उस दर्द को हम लोग सह लेते हैं, कबूल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि अगर एक मिनट का एक दर्द अगर हम लोग सह लेंगे, जिंदगी भर बीमारी से छुटकारा मिलेगी। जो बीमारी मेरा हुआ है, उस बीमारी से मुझे जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल सकता है। इसलिए हम लोग एक मिनट का जो तकलीफ है उसको मुंह बंद करके हम लोग सह लेते हैं। 15,000 जब जुगाड़ करने जाओगे तो 100% तकलीफ होगा, दर्द होगा, पर वो 15,000 क्या है? आपके लिए इंजेक्शन है। पहले तो दर्द होगा, थोड़ा बहुत दर्द तो होगा, सह लो। जिंदगी भर जो दर्द है, बड़ा बड़ा जो बीमारी है, उस बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि पैसा ना होना ये एक सबसे बड़ा बीमारी है, सबसे बड़ा बीमारी है। इस बीमारी से अगर छुटकारा लेना है, अगर छुटकारा पाना है, तो 15,000 का एक टीकाकरण करवाइए। क्योंकि 15,000 क्या है? बीमारी से छुटकारा पाने का एक टीका है। पोलियो का टीका है, हेपेटाइटिस का टीका है, हर चीज का टीका है ना। मनी प्रॉब्लम का टीका क्या है? मनी, हर चीज का वैक्सीन है। कोरोना का वैक्सीन तो अभी तक नहीं हुआ, आविष्कार नहीं हुआ, रिसर्च चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और मनी प्रॉब्लम का वैक्सीन क्या है? पैसा ना होने का वैक्सीन क्या है? सपना पूरा ना करने का जो दर्द है उसका वैक्सीन क्या है? जिंदगी में खुश, पैसे की वजह से खुश नहीं रह पा रहे हो, उसका वैक्सीन क्या है? अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने का वैक्सीन क्या है? 15,000 लेकर पा रहा हूं मैं, 15,000 यह है वैक्सीन। एक बार वैक्सीन दे दो, जिंदगी भर आप मस्ती करो। तो आप बोलो 15,000 आपके लिए क्या है? प्रॉब्लम या जिंदगी का सारे प्रॉब्लम का सलूशन? नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि 15,000 आप दे दो, 15,000 मैं आपको दे दिया सब। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आज से लगभग 12 साल पहले मैं जब एडमिशन लिया था तो मैं
कितना पे किया था, 7999 रुपीज, 7999 रुपए मैंने पे किया था। तब कोर्स भी कितना था, कंप्यूटर कोर्स के लिए हम लोगों को करीबन 8000 पे करना पड़ता था। अगर अगर आज से 12 साल पहले 8000 पे ना क्या होता, और उस 8000 को अगर मैं बैंक में अगर रख देता तो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देता है एफडी का, 5.25%, कितना मिलता, ज्यादा से ज्यादा 8000 14000 होता, 13000 होता। 13-14 हजार मैं 2020 में अगर मुझे कोई देता है, मैं देख रहा हूं 2020 में मेरे अकाउंट में 13000 है, मैं उसको उस 13000 से मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे, या फिर छोड़ दो, करता क्या मैं, कुछ नहीं करता, या फिर छोड़ दो। आपको मैं इस वक्त 15000 दे रहा हूं, 15000 दे रहा हूं, आप मुझे बोलो आप क्या करोगे, स्मार्ट वैल्यू छोड़ के, स्मार्ट वैल्यू छोड़ के आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ क्या कर लोगे, आप एक फोन खरीदोगे, वो तो करियर के लिए कुछ नहीं हुआ ना, उस फोन से तो रोजगार नहीं आएगा ना, उस फोन से तो आपका जिंदगी नहीं बनेगा ना, उस फोन से तो सपना पूरा नहीं होगा ना, उस फोन को 2 महीने बाद बेचने जाओगे, 15000 का फोन 6000 में कोई लेगा नहीं। पर 12 साल पहले 8000 खर्चा किया था, हर हफ्ता मिलता है, हर साल में 2 बार बोनस मिलता है, हर साल में 2-2 स्पेयर मिलता है, हर हफ्ता मिलता है, हर महीना मिलता है, हर साल मिलता है, दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा फिर भी मिलता रहेगा, काम करता हूं फिर भी मिलता है, काम नहीं करता हूं फिर भी मिलता है, मर जाऊंगा उसके बाद भी मिलेगा, पर खर्चा किया था एक ही बार खर्चा किया था। सो दिस इज द मोस्ट जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर स्मार्ट वैल्यू में, आप जो खर्चा करोगे ना, दिस विल बी द मोस्ट जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर इन योर लाइफ। जिंदगी में ऐसा बहुत खर्चा किया, बहुत खर्चा करोगे, पर ये जो खर्चा आप करोगे, दिस विल बी द मोस्ट जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर। तो इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपको 15000 दूंगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, उससे कुछ होता ही नहीं आज के डेट में, कुछ होता नहीं है। पर हाँ होता है, यहां से होता है, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उसके बाद तो आपका लगन, आपका मेहनत, आपका डेडिकेशन के ऊपर आपका सपना डिपेंडेंट है, पर आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है। तो देखो मनी प्रॉब्लम को क्या है, हैंडलिंग करने का बहुत सारे तरीका है, मैं 2-3 मैं बताया, मैं आपको शेयर किया, क्लियर कर पा रहा हूं। तो ऐसे करके हम मनी प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग दे सकते हैं, ऐसे करके हम लोग मनी प्रॉब्लम का फॉलोअप हम लोग कर सकते हैं, और उसके बाद भी और भी कई सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब फॉलोअप में ऑब्जेक्शन बहुत सारे हैं। तो मेजर जो अभी ऑब्जेक्शन है, दैट इज आज जो मेजर ऑब्जेक्शन, जैसे कि सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, उसको कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, और मनी प्रॉब्लम को, टाइम प्रॉब्लम को, ये तो आपको पता ही है, आप देखते हो सीखते हो, बहुत सारे हम लोगों के पास वीडियो भी है, तो इसके ऊपर मैंने ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं, और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेन जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, दैट इज एक नया लड़का, उसको एक फॉर्मेट देना, एक नया लड़की जो नया एसोसिएट्स, उसको एक फॉर्मेट देना कि वो फॉलोअप को कैसे शुरू करे, फॉलोअप को कुछ डूज एंड डोंट्स, फॉलोअप के लिए माइंडसेट क्या रहेगा, राइट, ये मैंने आपको समझाया। और लास्ट में मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखो भाई, फॉलोअप क्या है, फॉलोअप एक प्रोसेस है, इसलिए क्या है, जब तक सेल कंफर्म नहीं होगा तब तक उसके पीछे आपको लगे रहना है, कोई शर्माना मत, शर्म का कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप स्मार्ट वैल्यू में आ गए हो, तो अगर आप शर्माओगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, आप कुछ नहीं तरक्की नहीं कर पाओगे। तो क्या है, एक बार दो बार फॉलोअप करके हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, पर आपको पता नहीं जो घुमाता है वही घोड़ा है। आप देखते हो पार्थो भौमिक सर को, देखते हो पार्थो भौमिक सर का एसटीपी के बाद लगातार 3 से 4 महीना फॉलोअप हुआ था, 3 से 4 महीना फॉलोअप हुआ था। पार्थो भौमिक सर का जो दोस्त था जिसने पार्थो भौमिक सर को प्लान दिखाए थे, वो लगे रहे पार्थो भौमिक के पीछे लगे रहे, लास्ट में पार्थो भौमिक तंग आके एडमिशन ले लिया, तंग आके, अरे यार तो पीछे नहीं छोड़ रहे भाई, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए एडमिशन ले, जा चल निकल यहां से, ये ले पैसा और माफ कर, क्या कर पा रहा हूं। तो हम लोग तो पार्थो भौमिक के लिए हम लोग एक्साइटेड है, हम लोग पार्थो भौमिक को
कि हम लोग खुश नसीब है पार्थोभौमिक जैसे एक सीनियर्स हम लोगों को मिला है, इसके लिए तो हम लोग भगवान को हम लोग शुक्रगुजार है। पर उस इंसान को हम लोगों को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने पार्थोभौमिक को पकड़ के 3 महीना लगातार रोज फॉलोअप करके पार्थोभौमिक का डीडी कंफर्म करके स्मार्ट वेल में पार्थोभौमिक को एडमिशन कराया था। उसको अलग से एक प्रणाम कि अगर आप पार्थोभौमिक के पीछे ऐसे नहीं लगे रहते तो आज हम लोगों को पार्थोभौमिक ना हम लोगों को पार्थोभौमिक मिलता ना पार्थोभौमिक को स्मार्ट वैल्यू जैसा इंडस्ट्री मिलता। Am I right or wrong? तो आप क्या कर रहे हो, आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, 200 से 2 तो ऐसे फालतू इंसान मिलता है, 3 जो है वो ऑटोमेटिकली डीडी आपको मिल जाता है, 5 जो है उसके उस 5 के अंदर एक पार्थोभौमिक एक अमरनाथ बोस छिपा हुआ है। अमरनाथ बोस का 8 महीना फॉलोअप हुआ है, 8 months लगातार फॉलोअप किया था। सोच के देखो कितना टेनासिटी था जिसका जिसने उसको प्लान दिखाया था, अमरनाथ बोस के पीछे पड़ गए तब जाके अमरनाथ बोस मिला। आज जिस बंदे ने अमरनाथ बोस को प्लान एडमिशन कराया था आज अमरनाथ बोस का सारा टीम उसके एक साइड में है। अमरनाथ बोस का ऑल ओवर इंडिया में अगर 3-4 लाख का टीम है, 3-4 लाख का टीम का मालिक वो बंदा है जिसने अमरनाथ बोस को पीछे लगे रह के फॉलोअप किया था। राइट, हो सकता है उस 5 में से एक अमरनाथ बोस छिपा हुआ है, उस 5 में से एक पार्थोभौमिक सच छुपा हुआ है, आप उसको 2 बार फॉलोअप करके आप उसको छोड़ दे रहे हो। क्लियर कर पा रहा हूं? बेशरम बन जाओ, बेशरम बन जाओ, पीछे पड़ जाओ लोगों को, लोगों के पीछे ऐसे पड़ जाओ कि लोग तंग आके एडमिशन ले लेगा। अरे यार तो पीछे छोड़ता ही नहीं भाई, चल इसको एडमिशन लेके इसका मुंह बंद कर दे ताकि ये मुझे इसका ये कम से कम मुझे छोड़े। और दुनिया में दोस्तों सबसे मुश्किल काम क्या होता है, काम क्या होता है, लोगों को ना बोलना, मुंह के ऊपर ना बोलना, कोई ना नहीं बोल सकता है मुंह के ऊपर, बहुत मुश्किल काम है। आपको उसी का फायदा उठाना है। आप किसी का फॉलोअप किया, दोस्त का दोस्त को फॉलोअप किया, क्या फॉलोअप किया, फॉलोअप किया, फॉलोअप किया, फॉलोअप किया, लास्ट ने क्या बोला कि भाई अभी नहीं हो सकता, वो तू बोल कब होगा, आज 16 अक्टूबर है, तू बोल कब होगा, बोलेगा भाई बोलना 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं, जब होगा बता देंगे। अरे ऐसा क्या क्या बात होगा, मतलब तेरा पैसे का प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगा ही नहीं जिंदगी भर, तेरा 15,000 का प्रॉब्लम रह जाएगा, मतलब आज भी 15,000 नहीं है, कल भी नहीं रहेगा और 15,000 का प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगा ही नहीं। अरे भाई एक टाइम तो बता, बोला चल जनवरी महीने में, अच्छा चल कोई बात नहीं जनवरी महीने में, कब, 15 जनवरी, 15 जनवरी को जाके फिर से उसको पकड़ो भाई, 15 जनवरी हो गया, बोला था एडमिशन लेगा, फिर से फॉलोअप, वो भूल गया पर आपने नहीं भूला, हाँ हाँ यार मैं बोला था, चलो फॉलोअप किया, फिर से कब, नहीं भाई मार्च तक हो जाएगा, तारीख 20 तारीख, 20 तारीख को फिर से जाके पकड़ो, मार्च में पकड़ो, अप्रैल में पकड़ो, मई में पकड़ो, जून में पकड़ो, कितना बार वो ना बोलेगा, कितना बार वो डेट फिल करेगा, एक बार तो सीरियसली लेगा ही लेगा, और उसको ये महसूस हो जाएगा, डर हो जाएगा, खौफ, और आपको ये बोलना, ये डर मुझे अच्छा लगा, कि आपका गेस्ट आपसे भाग रहा है, आपको अवॉइड करने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डर रहा है, और ये डर होना चाहिए, ये डर हमें अच्छा लगता है, ये सुन लो, क्लियर। तो वही बात है, कोई खुशी खुशी एडमिशन लेगी, किसी को किसी के पीछे पड़े रहना है, और पड़े रहने से ही जो जितना जल्दी एडमिशन ले लेते हैं उतना जल्दी निकल भी जाते हैं, जो जितना घुमा फिरा के एडमिशन लेता है वही टिकता है, वही पार्थोभौमिक बनता है, वही अमरनाथ बोस बनता है। हो सकता है आप जितने लोगों को प्लान दिखाए हो उसमें से कुछ लोगों को, उसमें से जिसको आपने फॉलोअप करना छोड़ दिया या टच में नहीं रखा, उसमें से एक पार्थोभौमिक है, उसमें से अमरनाथ बोस है, तो फिर से उन लोगों को रिकॉन्टैक्ट करो, टच में रखो, और फिर से उसके पीछे पड़े रहो, डीडी तो निकला है, कितना बार ना बोलेगा, एक हद होता है भाई, एक इंसान को कितना बार ना बोल सकता है, लास्ट में तंग आके एडमिशन लेगा। तो आप बेशरम होके काम करो, आप
मतलब जबरदस्त तरीके से काम करो, आप रेकलेस वे में काम करो, क्लियर कर पा रहा हूं? किसी के आगे झुकने का जरूरत नहीं है, राइट? और कोई अगर ना भी बोल देता है, इसमें आपको बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को ना बोल रहा है, आपको ना नहीं बोल रहा है, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ना सुनता है वही लोगों को लोग याद रखते हैं, जो लोग ना बोलता है उसको लोग याद नहीं रखता है। पार्थो भौमिक को, अमरनाथ बोस को हजारों लोग ने ना बोला, हजारों लोगों ने ना बोला। आज एक इंसान का नाम बताओ जो इंसान पार्थो भौमिक को ना बताया था, ना बोला था, एडमिशन नहीं लिया था, उसका नाम आपको पता है? उसका नाम आपको नहीं पता। किसका नाम पता है? जिसने ना सुना। किसने सुना? पार्थो भौमिक, अमरनाथ बोस, सुरजीत अधिकारी, इसने ना सुना, इसीलिए लोगों ने इसका नाम याद रखा, क्योंकि इसने ना सुना। आज बड़े बड़े लोगों ने मार खाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेके राजा राममोहन रॉय, सब लोग सोशल रिफॉर्मर्स जो सोसाइटी के लिए कुछ करने गए थे, जो इंसान के लिए कुछ करने गए थे, समाज के लिए कुछ करने गए थे, लोग उसको मारा था, पीटा था, गाली दिया था। आज एक इंसान का नाम बताओ, बताओ, पता है आपको? बताओ, एक इंसान ने विद्यासागर को चप्पल फेंक के मारा था, क्या इतिहास में उसका नाम आता है? उस इंसान का नाम आता है? नहीं। नाम किसका आता है? जिसने मार खाया, चप्पल खाया, जिसने ना सुना, जिसने रिजेक्शन खाया, उसी का नाम इतिहास में था, इतिहास में है और रहेगा। मुझे भी करीबन 500-600 हजार लोगों ने ना बोला, एक आदमी का नाम मैं भी भूल गया और कोई याद भी नहीं रखता है, पर जो नो सुना, जो नो खाया, वही तो रह जाता है, क्या कर पा रहा हूं? तो नो सुनने का आदत डालो, ना सुनने का आदत डालो, रिजेक्शन खाओ, मस्ती में काम करो। यही बोल के मैं अपना पार्ट को मैं खत्म करना चाहूंगा। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मुझे मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। सो विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।